एवरीवन, दिस इज शिखा श्रीवास्तव फ्रॉम मैथमेटिक्स फार्म। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग क्लास 8 चैप्टर 6 दैट इज क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स पढ़ेंगे। ये मैं अपडेटेड सिलेबस 2023 के अकॉर्डिंग आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि कुछ लोगों को मेरी वीडियोस नहीं मिल रही हैं, तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, मेरे चैनल मैथमेटिक्स फार्म को सर्च करना है, मैथमेटिक्स फार्म को सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपको ऐसा लोगो, ठीक है, दिखेगा। इसमें एक पेंसिल ऐसे बनी है, इसको आपको टच करना है। जब आप इसको टच करोगे तो यहाँ पे दो तीन ऑप्शंस आपको दिखेंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखेगा प्लेलिस्ट, ठीक है, देन आपको प्लेलिस्ट पे टच करना है। जब आप प्लेलिस्ट टच करोगे तो आपको सारे कंटेंट्स दिख जाएंगे, ठीक है। अभी मैं चैप्टर 6 पढ़ा रही हूँ, तो इसके पहले के जितने भी चैप्टर्स हैं, जैसे चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 मैंने फुल्ली कवर्ड किया हुआ है, और ये सारा आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। या फिर आपको मेरी कोई वीडियो अगर मिल गई है, सपोज एक्सरसाइज 5.1 आप लोगों को मिल गई है मेरी वीडियो, आपने उसको देखा, अब आप और भी वीडियोस देखना चाहते हो, एक्सरसाइज 5.2, 5.3 या फिर ट्राई दीज, है ना, तो आपको क्या करना है, वो जो वीडियो चल रही है, ठीक है, सपोज ये स्क्रीन है, यहाँ पे मेरी वीडियो चल रही है, तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में, ये जो नीचे डिस्क्रिप्शन लिखा रहता है, यहाँ पे एक डाउनवर्ड एरो होगा, ऐसे ये एरो यहाँ पे ऐसे बना होगा, डाउनवर्ड एरो, आपको इसको टच करना है, तो आपको यहाँ पे एक लिंक मिलेगी। इस लिंक को आप जैसे टच करोगे, मेरी पूरी प्लेलिस्ट उस चैप्टर की खुल जाएगी, तो आप लोग वहां से मेरी सारी वीडियोस देख सकते हो। ओके, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। ये बहुत ही छोटा सा चैप्टर है और बहुत ही सिंपल चैप्टर है, तो स्टूडेंट्स प्लीज इसको ध्यान से पढ़ना, ठीक है। सो कंटेंट्स, इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट कवर करेंगे, देन उसके बाद क्यूब ऑफ अ नंबर, किसी भी नंबर का क्यूब क्या होगा ये हम लोग देखेंगे, देन उसके बाद परफेक्ट क्यूब क्या होते हैं, ये सब हम देखेंगे, देन क्यूब रूट्स क्या होते हैं। देखिए आप लोग स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स पढ़ चुके हैं, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, है ना, स्क्वायर ऑफ अ नंबर ये आप लोग पढ़ चुके हैं। इसमें क्या होता था, जैसे कोई नंबर है 5, 5 का स्क्वायर आप करते थे, स्क्वायर का मतलब होता है पावर 2, क्या होता है पावर 2, तो मैंने यहाँ पे पावर 2 लगा दी, और पावर 2 का मतलब होता है इस नंबर को दो बार मल्टीप्लाई करना है, 5 × 5 दैट इज 25, तो 5 का स्क्वायर कितना आया 25। उसी तरीके से क्यूब ऑफ अ नंबर, जब आप किसी नंबर का क्यूब करोगे, क्यूब ऑफ अ नंबर, तो स्क्वायर का मतलब होता है पावर 2 और क्यूब का मतलब होता है पावर 3, तो 5 का क्यूब, क्यूब का मतलब पावर 3, और 3 है पावर में, इसका मतलब 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, तो 5 × 5 × 5, 5 × 5 = 25, 25 × 5 = 125, दिस इज योर आंसर। उसी तरीके से आप लोगों ने स्क्वायर रूट पढ़ा था, स्क्वायर रूट का सिंबल ये होता है, होता है कि नहीं। क्यूब रूट्स, क्यूब रूट जब आप किसी नंबर का निकालेंगे तो उसके लिए क्या सिंबल यूज होगा, तो देखिए ये स्क्वायर रूट का सिंबल है, क्यूब रूट के सिंबल में आपको यहाँ पे 3 दिख जाएगा, ठीक है, ये ऐसे रूट बना होगा और यहाँ पे 3 लिखा होगा, तो ये किसका सिंबल है, क्यूब रूट्स का, मैं यहाँ पे लगा देती हूँ, ठीक है। देन उसके बाद एस्टिमेटिंग क्यूब रूट्स, आप किसी भी नंबर का क्यूब रूट एस्टिमेट करके निकालोगे, ठीक है, उस तरह आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करके निकालना रहता, ठीक है, ऐसे जैसे आप स्क्वायर रूट्स निकालते थे प्राइम फैक्टराइजेशन करके, वहां पे आप दो दो का पेयर लेके एक एक उसमें से नंबर निकाल के उसका मल्टीप्लाई कर देते थे, तो उसका स्क्वायर रूट आ जाता था, बट क्यूब रूट्स में हम, एस्टिमेटिंग क्यूब रूट्स में हम प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज ना करके हम डायरेक्ट एस्टिमेट करके क्यूब रूट फाइंड आउट करेंगे। ओके, सो इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में हम लोग पढ़ेंगे हार्डी रामानुजन नंबर। हार्डी और रामानुजन ये दो साइंटिस्ट थे। अब क्या है हार्डी रामानुजन नंबर, तो 1729 इज द स्मॉलेस्ट हार्डी रामानुजन नंबर,
क्यों इसको हार्डी रामानुजन नंबर बोला गया? तो देखिए 1729 को क्या मैं 1728 प्लस 1 लिख सकती हूँ? लिख सकती हूँ ना। और ये जो 1728 है ये 12 का क्यूब होता है। किसका क्यूब? 12 का क्यूब। 12 का स्क्वायर होता है 12 × 12। 12 × 12 = 144। 12 का क्यूब होता है 12 × 12 × 12। 12 × 12 × 12 जब आप करोगे तो आ जाएगा 1728। तो 1728 को मैं 12 का क्यूब लिख सकती हूँ एंड प्लस 1 को मैं 1 का क्यूब लिख सकती हूँ, क्योंकि 1³ = 1 × 1 × 1। 1 को चाहे आप जितनी बार 1 से मल्टीप्लाई करोगे आंसर क्या आएगा? 1 ही आएगा। और 1729 को मैं इस तरह से भी एक्सप्रेस कर सकती हूँ कि 1000 + 729। इस तरीके से भी लिख सकती हूँ कि नहीं? लिख सकती हूँ। 1000 जो है वो 10 का क्यूब होता है एंड 729 जो है वो 9 का क्यूब। देखिए 10 का क्यूब मीन्स 10 × 10 × 10। 10 × 10 = 100, 100 × 10 = 1000। तो 1000 को 10 का क्यूब एंड 9 का क्यूब 9 × 9 × 9, 9 × 9 = 81, 81 × 9 = 729। तो देखिए ये 1729 एक ऐसा नंबर है जिसको मैं सम ऑफ टू क्यूब्स, देखिए 12 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब सम ऑफ टू क्यूब के फॉर्म में एक्सप्रेस कर पा रही हूँ, वो भी दो दो तरीके से। एक तरीका ये है और एक तरीका ये है, ठीक है। सो इसको मैं जब हम किसी नंबर को सम ऑफ टू क्यूब्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर ले, वो भी दो दो तरीके से, तो ऐसे नंबर को ही हार्डी रामानुजन नंबर बोला जाता है, क्योंकि इसकी खोज सबसे पहले हार्डी रामानुजन ने ही की थी। हार्डी और रामानुजन ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इन नंबर की खोज की थी, जिसको हम सम ऑफ टू क्यूब्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर ले, वो भी दो तरीके से, इन टू डिफरेंट वेज। और कौन सा नंबर है? 1729 सबसे छोटा नंबर है हार्डी रामानुजन नंबर। उसके बाद 4104 को भी हम सम ऑफ टू क्यूब इन टू डिफरेंट वेज के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। देखिए 4104 इसको मैं लिख सकती हूँ 2 का क्यूब प्लस 16 का क्यूब। और क्या लिख सकती हूँ? तो 9 का क्यूब प्लस 15 का क्यूब। आप लोग इसको घर में ट्राई करना, इसका क्यूब निकालना, 2 का क्यूब और 16 का क्यूब निकालना, दोनों को ऐड करना ये नंबर आएगा, फिर 9 का क्यूब और 15 का क्यूब करना, तो 4104 आएगा। उसी तरीके से थर्ड नंबर कौन सा है? तो थर्ड नंबर इज 13832। इसको भी सम ऑफ टू क्यूब इन टू डिफरेंट वेज के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। देखिए 18 का क्यूब प्लस 20 का क्यूब इसको मैं लिख सकती हूँ, और लिख सकती हूँ इसको 2 का क्यूब प्लस 24 का क्यूब। ऐसे बहुत सारे नंबर हैं जिनको आप सम ऑफ टू क्यूब्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर लो, वो भी दो तरीके से। बहुत सारे ऐसे और नंबर हैं, लेकिन आप लोगों को बस कुछ ही नंबर याद रखना है। जैसे 1729 ये सबसे छोटा हार्डी रामानुजन नंबर है जिसको हम सम ऑफ टू क्यूब्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो भी दो तरीके से। देन आपको 4104 याद रखना है और 13832। ये तीन नंबर आप याद रखिए, बाकी आगे का जरूरत नहीं है, ठीक है। सो यही था हमारा हार्डी रामानुजन नंबर, ऐसा नंबर जिसको हम सम ऑफ टू क्यूब्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर ले, वो भी दो तरीके से, ठीक है। वही होता है हार्डी रामानुजन नंबर, ओके। नाउ क्यूब ऑफ अ नंबर, किसी भी नंबर का क्यूब क्या होता है, अब हम लोग ये पढ़ेंगे। तो फॉर अ गिवन नंबर एक्स वी डिफाइन क्यूब ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू x × x × x डिनोटेड बाय एक्स क्यूब। आप लोग इसको एक बार फिर से पढ़िए। फॉर अ गिवन नंबर एक्स, सपोज कोई नंबर x है, वी डिफाइन क्यूब ऑफ x, तो हम क्यूब ऑफ x को कैसे डिफाइन करेंगे? तो हम उसको बोलेंगे क्यूब ऑफ x को x × x × x, और इसको डिनोट कैसे किया जाता है? तो x का क्यूब।
अब हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, जैसे 2 का क्यूब करना है। देखिए इसको ऐसे डिनोट किया जाता है, जैसे x का क्यूब करना है तो x क्यूब, अब हम 2 का क्यूब कर रहे हैं तो 2 का क्यूब। क्यूब का मतलब होता है पावर 3, आप लोग लिख सकते हो क्यूब पावर 3। ठीक है, तो 2 का क्यूब मींस 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। 2 × 2 × 2 इज इक्वल्स टू 8, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8। 10³ of 2 = 8, तो 2 का क्यूब कितना आया, 8 आया। उसी तरीके से अगर मैं 3 का क्यूब बोलूं तो कितना होगा, तो 3 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 × 3 × 3, 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27। 4 का क्यूब कितना होगा, तो 4 × 4 × 4, 4 × 4 × 4, 4 × 4 = 16, 16 × 4 = 64। 5 का क्यूब कितना होगा, तो 5 × 5 × 5, है ना, 5 × 5 = 25, 25 × 5 = 125। तो ऐसे ही हम लोग क्यूब निकालेंगे। जिस भी नंबर का क्यूब पूछा होगा उसका पावर 3 करना है। जैसे 12 का क्यूब पूछा है तो 12 की पावर 3 करना है, फिर 12 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, 12 × 12 × 12। मल्टीप्लाई करने पे जो भी आंसर आए वही उसका क्यूब होगा। 12 का क्यूब कितना होगा, तो 12 × 12 × 12 आंसर क्या आएगा, 12 × 12 = 144, 144 × 12 = 1728। ये है 12 का क्यूब। ओके, अब मैं इतनी आसानी से इसका आंसर कैसे बता दे रही हूँ बिना मल्टीप्लाई किए, तो इसको लर्न करना पड़ता है। 1 से लेकर 20 तक का क्यूब आप लोग अगर लर्न कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा ये चैप्टर, बिल्कुल चुटकियों में आंसर देंगे आप लोग। ठीक है, तो अभी मैं 1 से 20 तक का क्यूब आप लोगों को लिखा दूंगी, आप लोग इसको लर्न कर लेना। ओके, सो मैंने 15 तक का क्यूब यहाँ पे लिख दिया है। देखिए 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 2 × 2 × 2, 2 × 4 = 8, 3 का क्यूब 3 × 3 × 3, 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, 10 का क्यूब 1000, 11 का क्यूब 1331, 12 का क्यूब 1728, 13 का क्यूब 2197, 14 का क्यूब 2744, 15 का क्यूब 3375। अगर आप लोग को 20 तक लर्न करना है तो आप लोग आगे भी निकाल लीजिएगा, 16 का क्यूब 16 × 16 × 16 करना जो भी आंसर है, 17 का क्यूब 17 × 17 × 17 करना जो भी आंसर है, ऐसे ही आप लोग 20 तक लिख लेना। और फिलहाल आपको 15 तक तो लर्न होना ही चाहिए। ठीक है, अब चलिए परफेक्ट क्यूब पढ़ते हैं। क्या है परफेक्ट क्यूब, अ नेचुरल नंबर इज सेड टू बी अ परफेक्ट क्यूब इफ इट इज द क्यूब ऑफ सम नेचुरल नंबर। हम किसी नेचुरल नंबर को परफेक्ट क्यूब तब बोलेंगे जब वो किसी नेचुरल नंबर का क्यूब होगा। ठीक है, हम किसी नेचुरल नंबर को परफेक्ट क्यूब तब बोलेंगे जब वह किसी नेचुरल नंबर का क्यूब होगा। अब एग्जांपल देखिए, जैसे 1, तो 1 एक परफेक्ट क्यूब है। क्यों, क्योंकि हम इसको किसी नेचुरल नंबर के क्यूब लिख सकते हैं। देखिए जो 1 है, क्या मैं इसको 1 का क्यूब लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। उसी तरीके से 8 परफेक्ट क्यूब है। क्यों, क्योंकि मैं इसको किसी नेचुरल नंबर का क्यूब लिख सकती हूँ। और किसका क्यूब है ये, 2 का क्यूब। उसी तरीके से 27 भी परफेक्ट क्यूब है, क्योंकि इसको मैं किसी नेचुरल नंबर का क्यूब लिख सकती हूँ, सो ये है 3 का क्यूब। 64 परफेक्ट क्यूब है, क्योंकि इसको मैं 4 का क्यूब लिख सकती हूँ। उसी तरीके से ये देखिए, ये सारे परफेक्ट क्यूब हैं, 1, 8, 27, 64, 125, 216, 343, 512, 512, 729, 1000, 1331। ये सारे कैसे नंबर हैं, तो ये सारे परफेक्ट क्यूब हैं। क्यों, क्योंकि आप इसको किसी नेचुरल नंबर का क्यूब लिख सकते हो। जैसे 343 एक परफेक्ट क्यूब है। क्यों, क्योंकि आप इसको 7 का क्यूब लिख सकते हो। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब इसके बीच में बहुत सारे ऐसे नंबर छूट गए हैं। 1 से 8 के बीच में कौन कौन से नंबर छूट गए, 2 है, 3 है, मैं यहां लिख देती हूँ, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7, इतने सारे नंबर्स 1 और 8 के बीच में छूट गए हैं।
सो अगर मैं बोलूं क्या 3 एक परफेक्ट क्यूब है? नहीं है परफेक्ट क्यूब. क्यों? क्योंकि आप इसको किसी भी नेचुरल नंबर के क्यूब के फॉर्म में नहीं लिख सकते. उसी तरीके से 4 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, 8 है. 8 क्यों है? क्योंकि आप इसको 2 का क्यूब लिख सकते हो. उसी तरीके से इसके बीच में जो नंबर छूटे हैं वो भी सारे परफेक्ट क्यूब नहीं है. जैसे 9 को क्या आप किसी नेचुरल नंबर का क्यूब लिख सकते हो? नहीं लिख सकते. 10 को भी नहीं लिख सकते, 11 को भी नहीं, 12 को भी नहीं, है ना. तो ये सारे कौन से नंबर है? ये सारे परफेक्ट क्यूब हैं. ओके, नाउ यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग इसको थोड़ा ध्यान से समझना. परफेक्ट क्यूब, किसी भी नंबर को हम परफेक्ट क्यूब कब बोलेंगे? कोई भी नंबर परफेक्ट क्यूब कब होगा इसके बारे में समझते हैं. तो अ गिवन नेचुरल नंबर इज अ परफेक्ट क्यूब इफ इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपलेट्स ऑफ इक्वल फैक्टर. प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपलेट ऑफ इक्वल फैक्टर्स. तो कोई भी नेचुरल नंबर परफेक्ट क्यूब कब होगा? जब हम इसको एक्सप्रेस कर दें प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपलेट ऑफ इक्वल फैक्टर्स में. ठीक है, अब क्या कहने का मतलब है, तो एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं. यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि शो 512 इज अ परफेक्ट क्यूब. आपको शो करना है कि 512 जो नंबर है, जो नेचुरल नंबर है, ये परफेक्ट क्यूब है. कैसे है ये आपको शो करना है? तो 512 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं. चलिए प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं. 2 से डिवाइड करिए. 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12. फिर से 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4. देन 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2. प्राइम फैक्टराइज कर लिया. अब इसके फैक्टर्स क्या क्या है तो यहां लिख देती हूँ. 512 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2. 9 टाइम्स 2 आया है. देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ट्रिपलेट बनाइए, इक्वल फैक्टर का ट्रिपलेट बनाइए. इक्वल, इक्वल का मतलब सेम. जैसे 2 2 2, ये इक्वल फैक्टर है तो इसका एक ट्रिपलेट बन गया, बन गया. फिर से ट्रिपलेट बना, बन गया. फिर से ट्रिपलेट बना, बन गया. कोई भी फैक्टर ऐसा नहीं है जिसका ट्रिपलेट नहीं बन पाया, सारे का ट्रिपलेट बन गया. तो अगर सबका ट्रिपलेट बन जाए तो ये नंबर कैसा नंबर होगा? परफेक्ट क्यूब होगा. ठीक है, सो 512 इज अ परफेक्ट क्यूब. क्यों? क्योंकि इसके जो भी फैक्टर्स आए सारे फैक्टर्स के ट्रिपलेट बन गए, सारे इक्वल फैक्टर के ट्रिपलेट बन गए, इसलिए ये नंबर क्या है? 512 परफेक्ट क्यूब है. तो यहां पे आप लिख दीजिए, दस 512 इज अ परफेक्ट क्यूब. इसलिए 512 जो है वो परफेक्ट क्यूब है. ओके, नाउ क्वेश्चन इज शो दैट 500 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब. अब आपको दिखाना है कि 500 जो नंबर है वो परफेक्ट क्यूब नहीं है. ये जो 500 है ये परफेक्ट क्यूब नहीं है. क्यों नहीं है ये आपको दिखाना है. तो क्या करेंगे हम? प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 500 का. 2 से डिवाइड करिए. 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 एंड 0. फिर से 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 एंड 2 5 जा 10. अब 5 से डिवाइड होगा. 5 2 जा 10, 5 5 जा 25. देन 5 से 5 5 जा 25. फिर से 5 से 5 1 जा 5. तो 500 के क्या क्या फैक्टर्स आए? 500 को मैं लिख सकती हूँ 2 into 2 into 5 into 5 into 5. अब यहां पे देखिए, दो बार 2 का मल्टीप्लाई हुआ है एंड 5 3 बार 5 का मल्टीप्लाई हुआ है. परफेक्ट क्यूब कोई नंबर तब होता है जब आप उसको एक्सप्रेस कर दें प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपलेट ऑफ इक्वल फैक्टर. तो ये देखिए 5 का तो यहाँ पे ट्रिपलेट बन गया है, 5 into 5 into 5. 5 का तो ट्रिपलेट बन गया है बट 2 का ट्रिपलेट नहीं है. अगर यहाँ पे एक और 2 आता तब इसका भी ट्रिपलेट बन जाता, बट यहाँ पे
नहीं है। इसका मतलब 500 परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो आप क्या रीजन लिखेंगे? देयर आर 3 5s, देयर आर 3 5s इन प्रोडक्ट, इन प्रोडक्ट, बट ओनली 2 2s, बट ओनली 2 2s। लेकिन ये जो 2 है वो सिर्फ 2 है। सो 500 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, ठीक है? यही रीजन आप लिखेंगे, दिस इज योर आंसर। ओके, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। शो दैट 729 इज अ परफेक्ट क्यूब। आपको शो करना है कि 729 परफेक्ट क्यूब है। फाइंड द नंबर हूज क्यूब इज 729, और आपको वो नंबर भी फाइंड आउट करना है जिसका क्यूब 729 है। तो हम कैसे किसी भी नंबर को बताते हैं कि परफेक्ट क्यूब है? इसके लिए हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना होता है, और प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद जो उसके प्राइम फैक्टर्स आए हैं उसमें हम देखते हैं कि क्या हम उसको एक्सप्रेस कर पा रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपलेट ऑफ इक्वल फैक्टर के फॉर्म में। अगर हम उसको एक्सप्रेस कर ले रहे हैं, मीन्स हमारा नंबर परफेक्ट क्यूब है। तो चलिए देखते हैं, 729 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 3 से डिवाइड होगा, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, फिर से 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया, तो 729 को मैं लिख सकती हूँ 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3। यही है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। अब यहां देखिए, प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपलेट ऑफ इक्वल फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपलेट ऑफ इक्वल फैक्टर। देखिए यहां 3 का ट्रिपलेट बना और फिर से 3 का ट्रिपलेट बना। सो हम कह सकते हैं कि 729 क्या है? परफेक्ट क्यूब है। तो आप लिख दीजिए, दस 729 इज अ परफेक्ट क्यूब। हमने ये तो बता लिया कि ये परफेक्ट क्यूब है, बट ये किस नंबर का क्यूब है हमें ये भी बताना है। तो देखिए 729 को क्या लिख रहे हैं हम लोग, 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3। इसका ट्रिपलेट बना था और इसका ट्रिपलेट बना था, है ना? किसी भी चीज को 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम उसको क्यूब लिख सकते हैं। तो ये 3 का क्यूब है, फिर मल्टीप्लाई का साइन और फिर से 3 का क्यूब। आप लोग एक फॉर्मूला याद कर लेना, अगर a की पावर m है और b की भी पावर m है, a की पावर m है b की पावर भी m है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ ab की पावर m, a into b की होल पावर m। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसी का यूज करने वाली हूं मैं, ठीक है? तो यहां पे a क्या है, a है 3 और b क्या है, b भी है 3, और m क्या है, m, m की वैल्यू क्या है 3, ये m ही तो है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a इंटू बी की पावर m, मीन्स 3 × 3 की पावर 3। समझ में आ रहा है? तो 3 3 जा 9, 9 की पावर 3 हो जाएगा। सो आपने फाइंड आउट कर लिया कि ये किस नंबर का क्यूब है। तो 729 जो है वो 9 का क्यूब है। किसका क्यूब है? 9 का। तो आपसे पूछा था फाइंड द नंबर हूज क्यूब इज 729, तो आप क्या लिखेंगे, दैट नंबर इज 9, वो नंबर 9 है जिसका क्यूब 729 है। ओके, नाउ वन मोर क्वेश्चन, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 72 मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। अगेन रीड, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, आपको वो स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है बाय विच 72 मस्ट बी मल्टीप्लाइड, जिसमें 72 को अगर मल्टीप्लाई कर दें
टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब, तो हमें क्या मिल जाए, परफेक्ट क्यूब मिल जाए। यहाँ पे 72 जो नंबर है ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, आपको एक छोटे से नंबर से 72 को मल्टीप्लाई करना है तब जो प्रोडक्ट आएगा वो परफेक्ट क्यूब होगा। तो हमें वो छोटा नंबर बताना है जिसमें 72 को मल्टीप्लाई करके हमें परफेक्ट क्यूब मिलेगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दें। 2 से डिवाइड होगा, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3, हो गया 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 72 को मैं लिख सकती हूँ 2 × 2 × 2 × 3 × 3, यही है। आप लोग को पता है, आप लोग पढ़ चुके हो कि परफेक्ट क्यूब हम लोग किसी नंबर को कब बोलते हैं, तो जब हम उसको प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपलेट ऑफ इक्वल फैक्टर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर लें तो हम बोल देंगे कि ये नंबर जो है परफेक्ट क्यूब है। यहां देखिए 2 का ट्रिपलेट है बट 3 का ट्रिपलेट नहीं है, सो इसका मतलब क्या, 72 परफेक्ट क्यूब नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका ट्रिपलेट नहीं बन पा रहा है। बट यहां पे अगर मैं 3 से और मल्टीप्लाई कर देती तो ये क्या हो जाता, ये परफेक्ट क्यूब बन जाता। बन जाता कि नहीं, बन जाता। तो अगर मैंने इधर मल्टीप्लाई किया तो मुझे इधर भी मल्टीप्लाई बाय 3 करना पड़ेगा। यहाँ पे था 72, ठीक है, अब ये क्या बन जाएगा, अब ये जो है परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। 72 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। और हमें वही स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना था जिसमें 72 को मल्टीप्लाई कर दे तो वो परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो यही आपका आंसर होगा, 72 × 3 कर लीजिए, जो भी आंसर है, 3 2 जा 6 एंड 7 3 जा 21, तो 216 जो आया वो परफेक्ट क्यूब है। और वो कौन सा नंबर था, तो आप इसका आंसर कैसे लिखेंगे, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, तो लिखिए दैट स्मॉलेस्ट नंबर इज 3, वो स्मॉलेस्ट नंबर 3 है बाय विच 72 बी मल्टीप्लाइड 72 बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। समझ में आ रहा है, यही आपका आंसर है। अच्छा, आप लोग क्या ये बता सकते हैं कि 216 किस किस नंबर का क्यूब है, 216 किस नंबर का क्यूब है, ये पूछा नहीं है क्वेश्चन में, ये मैं अपने आप से पूछ रही हूं, तो आप लोग बता सकते हैं। बिल्कुल, हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था अभी, a की पावर m इंटू बी की पावर m इज इक्वल्स टू a इंटू बी का होल पावर m, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको प्लीज आप लोग लर्न कर लीजिए, ठीक है। तो यहां पे देखिए अगर 216 का यही प्राइम फैक्टराइजेशन है, यही तो है 216 को हम लोग ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो इसको मैं लिख सकती हूँ 2 की पावर 3, लिख सकती हूँ कि नहीं, फिर इंटू 3 की पावर 3, यहां मैं करती हूँ 2 की पावर 3 × 3 की पावर 3, ये a की पावर m इंटू b की पावर m के फॉर्म में है, इसको मैं लिख सकती हूँ a इंटू b की पावर m, क्या हो जाएगा 3 2 जा 6 की पावर 3, तो वो क्या नंबर है, वो नंबर है 6। ये 216 किसका क्यूब है, तो वो 6 का क्यूब है, ओके। एक और क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 81 मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। अब आपको एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जिसको 81 से डिवाइड कर दिया जाए तो आपको परफेक्ट क्यूब मिल जाए। इसके पिछले वाले क्वेश्चन में आप लोगों ने क्या किया था कि एक स्मॉलेस्ट नंबर आप लोगों को फाइंड आउट करना था जिससे 72 को मल्टीप्लाई करने पर आपको परफेक्ट क्यूब मिल रहा था। अब आपको एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए जिसको 81 से डिवाइड करने पर आपको परफेक्ट क्यूब मिले। सो प्रोसेस वही है,
आपको 81 का सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो चलिए करते हैं। 3 से डिवाइड होगा, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, देन 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया तो 81 को मैं लिख सकती हूँ 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, लिख सकती हूँ ना। ये देखिए 3 का तो यहाँ पे ट्रिपलेट बन गया, बट एक 3 यहाँ पे बच गया, एक 3 बच गया ना, इसका मतलब 81 परफेक्ट क्यूब नहीं है। ये तो हमें पहले से ही पता था कि 81 परफेक्ट क्यूब नहीं है। 81 को किसी छोटे नंबर से डिवाइड कर दें अगर, तब वो परफेक्ट क्यूब बनेगा। अब वो कौन सा नंबर है, तो देखिए यहाँ पे एक 3 एक्स्ट्रा है। अगर मैं यहाँ पे डिवाइड बाय 3 कर दूं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे डिवाइड बाय 3 कर दूं, तो ये 3 से ये 3 कैंसल आउट हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं। 3 बाय 3, 3 बन जा 3, 3 बन जा 3, 1 आ जाएगा। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों कैंसल आउट होके 1 हो जाएंगे। तो बचेगा क्या, 3 इंटू 3 इंटू 3, तो क्या होगा, परफेक्ट क्यूब होगा। तो इसका मतलब हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा, हमें 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैं नीचे लाइन पे लिख रही हूं, ये जो 81 है उसको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 3 इंटू 3 इंटू 3 ये इसका फैक्टर बन रहा था, बट ये एक 3 एक्स्ट्रा था, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय 3 करेंगे। इस साइड डिवाइड बाय 3 किया तो इस साइड भी डिवाइड बाय 3 करना पड़ेगा, ठीक है। सो क्या आएगा आंसर, आप लोग बताइए प्लीज। 81 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 3 2 जा 6, 21 आया, 3 7 जा 21 कैंसिल आउट हो गया, क्या आया 27, क्या आया 27। ये जो 27 आया ये आपका है परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट क्यूब। किस नंबर का क्यूब है, तो ये है 3 का क्यूब, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। यहां से देखिए ना, ये 3 से 3 तो कैंसिल हो जाएगा, ये क्या है, ये कैंसिल हो जाएगा 3 डिवाइड बाई 3, ये तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, यही तो बचेगा 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 को मैं 3 का क्यूब लिख सकती हूँ कि नहीं, ये 3 का क्यूब होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, तो 27 क्या है, परफेक्ट क्यूब। बट आपको ये सब नहीं बताना था, ठीक है, आपको बताना था वो स्मॉलेस्ट नंबर जिससे आपने 81 को डिवाइड किया है, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या था, वो स्मॉलेस्ट नंबर था 3। तो आप आंसर क्या लिखेंगे, दैट smallest number is 3, वो smallest number 3 है, by which 81 must be divided to get a perfect cube, perfect cube. This is your answer. Now, cube roots. The cube root of a number x is that number whose cube is x. फिर से पढ़ते हैं. The cube root of a number x is that number whose cube is x. किसी भी number x का, कोई number x है, उसका cube root वो number होगा जिसका cube x है. क्या मतलब है, कुछ समझ नहीं आया, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए ये क्यूब रूट का सिंबल है, यहां मैंने लिखा भी है, वी डिनोट द क्यूब रूट एक्स बाय एक्स का क्यूब रूट। अगर हमें लिखना है तो हम लोग कैसे लिखेंगे, तो एक्स लिख के फिर यहाँ पे ये है क्यूब रूट का साइन, यहाँ पे 3 लगा देंगे। तो यहाँ पे देखिए 27 का हमें क्यूब रूट निकालना है, 27 का क्यूब रूट क्या होगा, तो 27 का क्यूब रूट वो नंबर होगा जिसका क्यूब 27 है। समझ में आया, 27 का क्यूब रूट वो नंबर होगा जिसका क्यूब 27 है। तो देखिए जैसे यहाँ पे 3 का क्यूब, 3 का क्यूब कितना होता है, 27, सबको पता है 3 का क्यूब 27 होता है, तो 27 का क्यूब रूट क्या होगा, 3 होगा, 3 होगा, क्यों,
क्योंकि डिफिनेशन ही यही कह रही है कि किसी भी नंबर का क्यूब रूट वो नंबर होगा जिसका क्यूब ये है, जिसका क्यूब ये 27 है। तो 27 किसका क्यूब है? 3 का क्यूब है। तो 27 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। आसान है कि नहीं? उसी तरीके से 4 का क्यूब क्या होता है? तो 4 4 जा 16 16 4 जा 64। 4 का क्यूब 64 होता है। तो अगर मैं पूछूं कि 64 का क्यूब रूट क्या होगा तो आप लोग क्या बताएंगे? 4। 64 का क्यूब रूट क्या होगा? 4। उसी तरीके से 9 का क्यूब होता है 729। तो 729 का क्यूब रूट क्या होगा? तो वो होगा 9। अब हम लोग क्यूब रूट फाइंड आउट कैसे करेंगे तो ये समझते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्यूब रूट कैसे फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे मैंने 3 नंबर लिया है, तीनों नंबर का क्यूब रूट निकालेंगे। 512 का क्यूब रूट निकालेंगे, ये है क्यूब रूट का सिंबल। 729 का क्यूब रूट निकालेंगे एंड 64 का क्यूब रूट निकालेंगे। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जिस नंबर का आपको क्यूब रूट निकालना है सबसे पहले आप उसको प्राइम फैक्टराइज कर लीजिए। तो 512 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, देन 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। सो 512 इज इक्वल्स टू 2 into 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 2। ठीक है, देखिए यहाँ पे पेयर ऑफ ट्रिपलेट बनेगा, प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपलेट ऑफ इक्वल फैक्टर्स। यहाँ पे ट्रिपलेट बना, यहाँ पे बना और यहाँ पे भी ट्रिपलेट बना। आप लोग एक चीज हमेशा याद रखना कि क्यूब रूट हम हमेशा उसी नंबर का निकालेंगे यहाँ पे जो परफेक्ट क्यूब होगा। 512 परफेक्ट क्यूब है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसके प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपलेट ऑफ इक्वल फैक्टर्स बन रहे हैं, हमेशा बनेंगे। ठीक है, सो अब हमें क्या निकालना है? हमें 512 का क्यूब रूट निकालना है। तो यहां जितने भी ट्रिपलेट बने हैं उसमें जो भी फैक्टर है उसका एक एक फैक्टर आप ले लीजिए। जैसे इस ट्रिपलेट से 1 2 ले लीजिए, इस ट्रिपलेट से 1 2 ले लीजिए और इस ट्रिपलेट से 1 2 ले लीजिए, यही इसका आंसर होगा। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। सो क्यूब रूट ऑफ 512 इज 8। दिस इज योर आंसर। था कि नहीं सिंपल? बहुत सिंपल था। अब चलिए 729 का भी निकाल लेते हैं। 729 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 3 से कटेगा, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12 एंड 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 27, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। कर लिया प्राइम फैक्टराइज। तो 729 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 into 3 into 3 into 3 into 3 into 3। यहाँ पे भी ट्रिपलेट बनेगा, बन रहा है। सो हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है 729 का क्यूब रूट। तो मैंने क्या बताया था? हर एक ट्रिपलेट से एक एक फैक्टर ले लेना है। तो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3 है, तो 3 3 जा 9। तो क्यूब रूट ऑफ 729 क्या आएगा? 9 आएगा। दिस इज योर आंसर। इसी तरीके से आप क्यूब रूट ऑफ 64 फाइंड आउट कर लेना। ओके, नाउ क्यूब रूट थ्रू एस्टिमेशन। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था? पिछला टॉपिक क्या था? क्यूब रूट थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन। हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करके किसी नंबर का क्यूब रूट फाइंड करते थे। जैसे 729 का हम लोगों ने कैसे फाइंड किया था? तो 729 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया था, फिर उसके जितने भी फैक्टर्स आए थे उसका ट्रिपलेट बनाया था, ट्रिपलेट बना के एक एक फैक्टर उसमें से निकाल लिए थे, फिर उन सबका मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आया था वही 729 का क्यूब रूट था। बट अब ऐसा नहीं है, अब आपको प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं करना है, अब आपको एस्टिमेट करके बताना है कि इस नंबर का क्यूब रूट क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे 2 नंबर मैंने लिया है, दोनों का मैं क्यूब रूट निकालूंगी थ्रू एस्टिमेशन। ठीक है, आप लोगों को ध्यान से देखना है। जैसे 17576 ये एक नंबर है,
हमें क्या करना है, इसमें ग्रुप बनाना है। पीछे से तीन नंबर का एक ग्रुप बन गया, फिर ये सेकेंड ग्रुप बन गया। अब ये जो पहला ग्रुप है, ये देखिए ये फर्स्ट ग्रुप है और ये क्या है, ये सेकेंड ग्रुप है। हमें ऐसे ग्रुप बनाना है। अब ये जो नंबर है 576, क्या है 576, आप बताइए ऐसा कौन सा नंबर है जिसका मैं क्यूब करूं तो यूनिट प्लेस पर 6 आए। ऐसा कौन सा नंबर है जिसका मैं क्यूब करूं तो यूनिट प्लेस पर 6 आए। तो आप लोगों को पता है कि 6 का अगर मैं क्यूब करूंगी तो 6 6 जा 36 36 6 जा 256, तो फिर क्या है, वंस प्लेस पर 6 आता है। तो इसका मतलब वो नंबर कौन सा है, 6 है। हम इस नंबर को देख के यहां से काम कर रहे हैं, ठीक है, इस नंबर को देख के यहाँ पे 6 है, तो हमें वो नंबर ढूंढना है कि जिसका क्यूब करने पे यहाँ पे वंस प्लेस पर 6 आता है। तो वो नंबर कौन सा होगा, 6 होगा, बिल्कुल। अब सेकेंड ग्रुप की बात करें तो सेकेंड ग्रुप में है 17। अब 17 बताइए किन दो क्यूब्स के बीच में लाई करता है, 17 किन दो क्यूब्स के बीच में लाई करता है। तो देखिए 2 का क्यूब करेंगे, 2 2 जा 4 2 जा 8, 3 का क्यूब करेंगे, 3 3 जा 9 3 जा 27। तो ये जो 17 है ये 2 का क्यूब और 3 के क्यूब के बीच में लाई करेगा, ठीक है, 2 का क्यूब और 3 का क्यूब, इन दोनों क्यूब के बीच में 17 लाई कर रहा है। तो इसमें से जो छोटा वाला नंबर है दैट इज 2 और यहां से 6, ठीक है। सो यहां से आया 6 और यहां से आया 2, तो 26 ही आपका आंसर होगा, ठीक है। यहां से आया 6 और यहां से जो जिसके बीच में लाई कर रहा है उसमें से छोटा वाला नंबर लेना है, छोटा वाला नंबर है 2, तो 26 इज योर आंसर। तो क्यूब रूट ऑफ 17576 इज इक्वल्स टू 26, दिस इज द आंसर। अब सेकंड करते हैं 857375, यहां पे भी दो ग्रुप है, ये देखिए फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप, दिस इज फर्स्ट ग्रुप एंड दिस इज सेकंड ग्रुप, समझ में आ रहा है ना। फर्स्ट ग्रुप का क्या नंबर है तो वो है 375। अब आप बताइए कौन सा ऐसा नंबर है जिसका मैं अगर क्यूब करूं तो उसके वंस प्लेस पर 5 आए, तो वो नंबर 5 है। देखिए अगर मैं 5 का क्यूब करती हूँ, 5 5 जा 25 25 5 5 जा 125, और कोई नंबर का अगर मैं क्यूब करूंगी तो क्या मुझे वंस प्लेस पे 5 मिलेगा, नहीं मिलेगा। 3 का क्यूब देख लीजिए 27, 4 का क्यूब 64, 9 का क्यूब 729, 8 का क्यूब 512, तो क्या कहीं पे 5 मिल रहा है वंस प्लेस पे, नहीं मिल रहा है ना। सिर्फ 5 का क्यूब करने पे वंस प्लेस पे 5 मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे, क्योंकि 5 का क्यूब करने पे ही हमें वंस प्लेस पर 5 मिलता है, ओके। फर्स्ट ग्रुप का काम खत्म। अब सेकंड ग्रुप में क्या नंबर है तो वो है 857। अब आपको ये बताना है कि 857 किन दो क्यूब के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। तो यहां देखिए 857 729 से बड़ा है, और अगर मैं यहां 10 का क्यूब निकाल दूं तो वो होता है 1000। तो देखिए अगर मैं इसको ऊपर नीचे कर दूं, यहाँ पे 8 का क्यूब लिख दूं 512, और यहाँ 9 का क्यूब लिख दूं 729। आप लोग याद कर लीजिए तो आप लोग के लिए आसानी होगी। तो 9 का क्यूब है 729 और 10 का क्यूब है 1000। इन्हीं दोनों क्यूब के बीच में क्या 857 लाई कर रहा है, यस। तो देखिए यहाँ पे 9 का क्यूब और 10 के क्यूब के बीच में 857 लाई कर रहा है। तो इसमें जो छोटा वाला नंबर है ये लेंगे, इस ग्रुप से ये वाला नंबर लेंगे और इस ग्रुप से ये वाला नंबर, यही आपका आंसर होगा। आंसर क्या आ जाएगा, देखिए फर्स्ट ग्रुप से 5 लिया, फर्स्ट ग्रुप से 5 लिया और सेकंड ग्रुप से 9 लिया, 95 आपका आंसर है। तो आपको निकालना था क्यूब रूट, तो कैसे लिखेंगे आप इसको यहाँ पे, क्यूब रूट ऑफ 857
375 is equals to 95. This is the answer. ओके आसान था ना ये चैप्टर, बहुत आसान है स्टूडेंट्स, प्लीज ध्यान से पढ़ना. सो स्टूडेंट्स आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं, एक्सरसाइज 6.1 सॉल्व करेंगे और ये मैं अपडेटेड एनसीईआरटी सिलेबस 2023 के अकॉर्डिंग आप लोगों को पढ़ा रही हूँ. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब्स. आपको यहाँ पे कुछ नंबर्स गिवन है, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं है. तो कौन सा नेचुरल नंबर परफेक्ट क्यूब होता है, कौन सा नहीं होता है, ठीक है, इसको मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में अच्छे से कवर किया है. अगर आप लोग मेरी वो वीडियो नहीं देखे हैं तो ठीक है, ये अगर वीडियो आप लोग देख रहे हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक गिवन होगी जो कि प्लेलिस्ट की लिंक है. उस लिंक को आप टच करिए तो आपको पूरी प्लेलिस्ट खुल जाएगी, वहां से आप इंट्रोडक्शन वीडियो देख सकते हैं. ओके तो चलिए अभी हम लोग समझते हैं फिलहाल कि कौन सा नेचुरल नंबर परफेक्ट क्यूब होता है और कौन सा नहीं होता है, हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं. तो इसके लिए हम नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करके सारे प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं. फिर अगर हम उन फैक्टर्स को, वो जो फैक्टर्स आए हैं प्राइम फैक्टर्स, अगर हम उनको प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपलेट ऑफ इक्वल फैक्टर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर लेते हैं तो हम बोल देंगे ये परफेक्ट क्यूब है. और अगर हम प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपलेट ऑफ इक्वल फैक्टर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर पाए तो फिर हम बोल देंगे कि ये परफेक्ट क्यूब नहीं है. तो चलिए समझते हैं. फर्स्ट इज 216, हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है. ठीक है, 2 से डिवाइड करिए, 2 1 जा 2, 0 लगाइए क्योंकि यहाँ 2 डिजिट है, 2 8 जा 16, फिर 2 से 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, फिर से 2 से 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, अब 3 से डिवाइड करिए, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3, हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन. तो 216 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 3, 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 3, आगे सारे प्राइम फैक्टर्स. अब देखिए क्या है, ये जो फैक्टर्स आए हैं इसका ट्रिपलेट बन रहा है, मींस जैसे 2 है तो 2 का ट्रिपलेट बन गया और 3 है, 3 का ट्रिपलेट बन गया. ठीक है, जितने फैक्टर्स हैं जैसे 2 और 3 दो ही फैक्टर थे, यहाँ पे एक 2 था एक 3 था, है ना, तो 2 का भी ट्रिपलेट बन गया और 3 का भी ट्रिपलेट बन गया. जब सबका ट्रिपलेट बन गया तो इसका मतलब ये क्या है, ये परफेक्ट क्यूब है. सो 216 इज अ परफेक्ट क्यूब. अब सेकंड सॉल्व करते हैं, सेकंड में है 128, इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2, हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन. तो 128 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2, 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2. अब देखना है कि क्या मैं ट्रिपलेट बना पा रही हूँ. तो देखिए यहाँ पे 2 का ट्रिपलेट बन गया, फिर से 2 का ट्रिपलेट बना, बट एक 2 का ट्रिपलेट नहीं बन पाया, यहाँ पे एक 2 बच गया जिसका ट्रिपलेट हम नहीं बना पाए. ठीक है, सो इसका ट्रिपलेट नहीं बना, तो ये जो नंबर है 128 ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, ये परफेक्ट क्यूब नहीं है. और आपको यही बताना था कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब. ठीक है, तो ये परफेक्ट क्यूब है तो मैं इसको कट कर दे रही हूँ, इसको मैं टिक कर रही हूँ कि ये परफेक्ट क्यूब नहीं है. ओके, देन थर्ड का भी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 1000, चलिए करते हैं, 2 से डिवाइड करिए, 2 5 जा 10, फिर से 2 से 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 250 आया, फिर से 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, अब 5 से 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5. ओके, सो 1000 नीचे ही लिखती हूँ, 1000 इज इक्वल्स टू 2 into 2 into 2 into 5 into 5 into 5. अब देखिए क्या प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपलेट ऑफ इक्वल फैक्टर मिल रहा है, तो देखिए 2 का भी ट्रिपलेट बन गया और 5
फाइव का भी ट्रिपलेट बन गया, कोई नंबर बचा नहीं है, सबका ट्रिपलेट बन गया। सो दिस इज परफेक्ट क्यूब, तो मैं इस पे जो है कट कर रही हूँ, क्योंकि आपको बताना है कि कौन सा परफेक्ट क्यूब नहीं है, 1000 परफेक्ट क्यूब है, इसलिए मैंने इसको कट किया। देन फोर्थ इज 100, कहाँ पे करूं, यहाँ पे कर देती हूँ। फोर्थ इज 100 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 से कटेगा, 2 5 10, 2 2 4 2 5 10, 5 5 25 एंड 5 1 5, हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 100 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 × 2 × 5 × 5। अब देखिए क्या प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपलेट ऑफ इक्वल फैक्टर आप लोगों को मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, ना तो 2 का ही ट्रिपलेट बना और ना ही 5 का ही ट्रिपलेट बना, यहाँ पे दोनों का ट्रिपलेट नहीं बना। तो ट्रिपलेट नहीं बना तो ये नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं है, सो मैं इस पे टिक करूंगी, ये नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं है। देन उसके बाद फिफ्थ इज 4 6 6 5 6, 2 से डिवाइड करिए, 2 2 4 2 3 6 2 3 6, 2 2 4 2 8 16, 2 1 2 2 1 2 2 6 12, 2 6 12, 2 4 8, 2 5 10, 2 8 16, 2 3 6, 2 2 4, 2 2 4, 2 9 18, 2 1 2, 2 6 12, 2 1 2, 2 4 8, 2 5 10, 2 8 16, 2 7 14, 2 2 4, 2 9 18, 729 आया। 729 आप लोगों को पता है कि ये 9 का क्यूब होता है, मीन्स ये 3 से अभी कटेगा, 3 से काटते हैं, 3 2 6 एंड 3 4 12, 3 3 9, फिर से 3 से कटेगा, 3 8 24 एंड 3 1 3, फिर से 3 से 3 2 6 एंड 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9 एंड 3 1 3, हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। सो कुछ मैं इरेज कर दूं यहां से, ये मैं इरेज कर देती हूं ऊपर वाला, ठीक है। 4 6 6 5 6, 4 6 6 5 6, इसके क्या क्या प्राइम फैक्टर्स आए, तो आया 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 3 × 3 × 3, then 3 × 3 × 3, 1 2 3 4 5 6, 6 by 2 है, then 6 by 3, 1 2 3 4 5 6, okay। अब देखिए क्या product of triplet of equal factor बन रहा है, equal factor means ट्रिपलेट ऑफ इक्वल फैक्टर, अगर 2 का आप ट्रिपलेट ले रहे हो तो पूरे में 2 ही होना चाहिए, 2 2 2, इसी को बोलते हैं इक्वल फैक्टर, ट्रिपलेट ऑफ इक्वल फैक्टर। ये बन गया, ये भी बन गया, देन ये भी बन गया और इसका भी ट्रिपलेट बन गया, यहाँ पे सबका ट्रिपलेट बन गया, कोई भी नंबर रिमेनिंग नहीं है, सबका ट्रिपलेट बन गया, मीन्स ये नंबर परफेक्ट क्यूब है। तो है तो मैं इसको कट कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि आपको बताना था कि कौन सा नहीं है, तो कौन कौन सा नहीं है, फर्स्ट कौन कौन सा नहीं है, सेकेंड एंड फोर्थ लिख लीजिए आंसर में, सेकेंड एंड फोर्थ, ठीक है, सेकेंड में है 128 और फोर्थ में 100, ये दोनों नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं है, दिस इज योर आंसर। Now second question is, find the smallest number by which each of the following numbers must be multiplied to obtain a perfect cube. ठीक है, क्या कह रहा है, find the smallest number, आपको वो छोटा number बताना है जिससे इन numbers को multiply कर दिया जाए तो ये perfect cube बन जाए, ठीक है। अभी ये जो numbers given है ये perfect cube नहीं है, आपसे बोल रहा है वो छोटा नंबर बताइए कि जिससे इन नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दें तो ये नंबर्स परफेक्ट क्यूब बन जाएं। तो चलिए सॉल्व करते हैं, फर्स्ट इज 243 का प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, 3 से डिविजिबल है, 3 8 24, 3 1 3, 3 2 6, 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9 एंड 3 1 3, हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। 243 को मैं लिख सकती हूँ 3 × 3 × 3,
3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 यही आया है। कोई भी नंबर परफेक्ट क्यूब कब होता है? जब उसके जो फैक्टर्स आए हैं उसका ट्रिपलेट बन जाए तो हम उस नंबर को परफेक्ट क्यूब बोल देते हैं। यहां देखिए 3 का एक ट्रिपलेट बना बट यहां पे ट्रिपलेट नहीं बन रहा है। अगर यहां पे 1, 3 और मल्टीप्लाई कर देते तो ये नंबर परफेक्ट क्यूब बन जाता। तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1, 3 से और मल्टीप्लाई अगर कर दे तो इसका ट्रिपलेट बन जाएगा। तो अगर इस साइड राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई किया तो लेफ्ट हैंड साइड में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 243 × 3। तो यही आपका आंसर होगा। किस नंबर से हमने मल्टीप्लाई किया? हमें सिर्फ वो नंबर बताना है ना, तो हमने किससे मल्टीप्लाई किया? 3 से, क्योंकि हमें वही स्मॉलेस्ट नंबर बताना है कि जिससे हम मल्टीप्लाई कर दें इस नंबर में तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो हमें वो नंबर मिल गया है, दैट इज 3। यही आपका आंसर है। तो आप लिखिए 3 मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू 243 टू गेट आ परफेक्ट क्यूब। ठीक है, हमें सिर्फ वो नंबर बताना है, वो स्मॉलेस्ट नंबर बताना है जिससे इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो वो नंबर क्या है? 3। 3 मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू 243 टू गेट अ परफेक्ट क्यूब। दिस इज योर आंसर। लिख लीजिए। देन सेकेंड क्वेश्चन 256। अब इसमें क्या नंबर मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए? तो चलिए प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 × 2 = 2, 2 × 4 एंड 2 × 8 = 16, 2 × 6 = 12, 2 × 4 = 8, 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 6 = 12, 2 × 8 = 16, 2 × 4 = 8, 2 × 2 = 4, देन उसके बाद 2 × 1 = 2 हो गया। तो 256 इज इक्वल टू क्या आया? 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 ×
नंबर 5, 6, 7, 8, ठीक है। ट्रिपलेट बनाते हैं, इसका ट्रिपलेट बन गया 2 का, फिर से 2 का ट्रिपलेट बना, बट यहाँ पे ट्रिपलेट नहीं बन पाया, यहाँ पे सिर्फ 2 मतलब 2, 2 है, 2, 2 है। अगर यहाँ 3, 2 होता मीन्स ट्रिपलेट बन जाता तो ये नंबर परफेक्ट क्यूब होता, अभी तो ये नंबर परफेक्ट क्यूब है नहीं, तो इसमें हम क्या मल्टीप्लाई कर दें, कौन सा नंबर मल्टीप्लाई कर दें कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए, तो हम इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई किया इस साइड तो इस साइड भी करना पड़ेगा, मीन्स 256 में हम कौन सा नंबर, कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो नंबर है 2। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे आंसर में, 2 मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू 256, 2 मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू 256 टू गेट अ परफेक्ट क्यूब, दिस इज योर आंसर। ओके, थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। 72 प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 से डिविजिबल है, 2 3 जा 6 2 6 जा 12, 2 1 जा 2 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। 72 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, हो गया। देखिए किसका किसका ट्रिपलेट बना, 2 का तो बन गया बट 3 का नहीं बन पाया, है ना, तो ये नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं है, वो तो हमें भी पता है कि ये नंबर नहीं है, इसमें हमें कोई छोटा नंबर मल्टीप्लाई करना है जिससे ये परफेक्ट क्यूब बन जाए, तो हम बताइए किससे मल्टीप्लाई कर दें इसको, 3 से। अगर हम यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ट्रिपलेट बन जाएगा, इस साइड किया तो इस साइड भी करना पड़ेगा, मीन 72 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से, तब ये जो इसका रिजल्टेंट आएगा वो परफेक्ट क्यूब होगा, इसको मल्टीप्लाई करने पे जो भी प्रोडक्ट आएगा वो परफेक्ट क्यूब होगा।
हमें ये नहीं बताना है कि वो नंबर कितना आएगा, वो परफेक्ट क्यूब क्या होगा, हमें ये नहीं बताना, हमें किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है यही बताना है। तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। तो यहां लिखिए आप, 3 मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू 72 टू गेट अ परफेक्ट क्यूब। दिस इज योर आंसर। Then fourth is 675। Prime factorization करेंगे, 3 से divisible है ना, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 and 3 5 जा 15, 2 2 4, फिर से 3 से, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, फिर से 3 से divisible है, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, अब 5 से, 5 5 जा 25 and 5 1 जा 5, हो गया। तो हम इसको लिख सकते हैं 675 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। ट्रिपलेट बनाइए, 3 का ट्रिपलेट बना बट 5 का नहीं बना, सिर्फ यहाँ पे 2 5 हैं, 2 5 हैं। अगर यहाँ 3 5 होता तो ये नंबर परफेक्ट क्यूब होता, बट ऐसा तो है नहीं, है ना। तो हम इसमें बताइए किस नंबर का मल्टीप्लाई कर दे कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। अब राइट हैंड साइड पे किया तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। तो आप बताइए 675 में कौन से स्मॉलेस्ट नंबर का मल्टीप्लाई करने पर ये परफेक्ट क्यूब आएगा, 5 से। तो आंसर क्या होगा, 5 मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू 675 to get a perfect cube. This is your answer. Okay? Then fifth part, that is last part, is 100. 100 ka prime factorization karte hai, 2 5 za 10, 2 2 za 4, 2 5 za 10, 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5। सो 100 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। ट्रिपलेट बनाते हैं, देखिए ना तो यहाँ पे 2 का ट्रिपलेट बना है और ना ही 5 का ट्रिपलेट बना है, ना तो 2 का ट्रिपलेट बना ना तो 5 का ट्रिपलेट बना। अब बताइए हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो यहाँ पे एक 2 की कमी है, एक 2 से मल्टीप्लाई करिए, और यहाँ पे एक 5 की कमी है, एक 5 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, एक 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और एक 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो 2 का भी ट्रिपलेट बनेगा और 5 का भी ट्रिपलेट बनेगा। तो हमने टोटल कितने से मल्टीप्लाई किया, 5 2 जा 10, इसका मतलब मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया इस साइड में। जब इस साइड में 10 से मल्टीप्लाई किया तो इस साइड भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 100 में किस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 से, तब ये परफेक्ट क्यूब बनेगा। तो आप यहाँ आंसर क्या लिखेंगे, 10 मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू 100 टू गेट अ परफेक्ट क्यूब। दिस इज योर आंसर। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछता कि बताइए वो परफेक्ट क्यूब क्या होगा, मीन्स जब आप इस नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है, जब आप स्मॉलेस्ट नंबर से इस नंबर में मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो नंबर कितना आएगा, मींस वो परफेक्ट क्यूब होगा, वो कितना आएगा। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 100 इंटू 10 इज इक्वल टू 1000, वो नंबर है 1000, 1000 एक परफेक्ट क्यूब है, ठीक है। बट ये आपसे पूछा नहीं है, आपको सिर्फ वो नंबर बताना है जिससे मल्टीप्लाई करने पे ये जो नंबर्स दिए हैं ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो यहाँ पे आपका आंसर है 10। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन इज, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है, आपको वो स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है जिससे इन नंबर्स को डिवाइड कर दिया जाए अगर तो वो परफेक्ट क्यूब बन जाए। अभी ये जो आपको नंबर्स गिवन है ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, ठीक है, ये सारे नंबर्स परफेक्ट क्यूब नहीं है। आपको वो स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जिसको इन नंबर्स से डिवाइड कर दिया जाए तो नंबर परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो चलिए सॉल्व करते हैं, फर्स्ट इज 81, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, किससे डिविजिबल है, 3 से, 3 2 जा 6, 3 7 जा
21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड देन 3 1 जा 3 हो गया। सो 81 इज इक्वल टू क्या आया, यहां पे लिखती हूं 3 into 3 into 3 एंड देन into 3। ट्रिपलेट बनाते हैं, ये बन गया ट्रिपलेट, बट एक 3 बच गया। ये तो ट्रिपलेट बन गया 3 का, बट एक 3 तब भी बच गया, ठीक है। तो बताइए हम किससे डिवाइड कर दें कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। अगर ये पूरा ट्रिपलेट बन जाता तो इसका मतलब ये परफेक्ट क्यूब होता, लेकिन अभी तो पूरा ट्रिपलेट बन नहीं रहा है, अभी तो एक नंबर बच गया है, ठीक है। और हमें वो नंबर फाइंड आउट करना है कि जिसको हम इस नंबर से डिवाइड कर दें तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो ऐसे बताइए कौन सा नंबर है, मैं किससे डिवाइड कर दूं इसे कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो यहां अगर मैं 3 से डिवाइड कर दूं तो ये 3/3, 3/3 कितना हो जाता है, 3 1 जा 3 3 1 जा 3, ये 1 आ जाएगा। 3 को अगर 3 से डिवाइड कर दीजिए तो 1 आ जाएगा, तो बचेगा कितना, यही तो बचेगा, ठीक है। और ये ट्रिपलेट है, तो ट्रिपलेट है इसका मतलब परफेक्ट क्यूब है, ठीक है। सो अगर इस साइड डिवाइड बाई 3 किया है तो इस साइड भी डिवाइड बाई 3 करना पड़ेगा। तो आपको सिर्फ वो नंबर बताना था जिससे आप डिवाइड किए हो, तो वो नंबर क्या है, 3। तो लिखिए यहां पे 3 मस्ट बी डिवाइडेड टू 81, ठीक है। 3 मस्ट बी डिवाइडेड टू 81 टू गेट अ परफेक्ट क्यूब। 81 को अगर मैं 3 से डिवाइड कर दूं तो परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, ठीक है। अच्छा वो नंबर बताइए, 81 को 3 से जब डिवाइड करने पर जो नंबर आएगा वो परफेक्ट क्यूब होगा, वो नंबर क्या होगा। तो यहां कर लेते हैं, 81 को 3 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, तो वो नंबर क्या आया, 27। और 27 क्या है, ये परफेक्ट क्यूब है, परफेक्ट क्यूब है कि नहीं। ये किसका क्यूब होता है, 27, 3 का, 3 3 जा 9 9 3 जा 27, ये 3 का क्यूब है ना, वही चीज तो यहाँ पे लिखा है 3 into 3 into 3। देखिए 3 into 3 into 3, 3 से डिवाइड कर दिया, ये 3 तो कैंसिल हो गया, बचा क्या, 3 का क्यूब बचा, यहां से क्या आया, 27, ठीक है। तो वो नंबर है 27, बट आपसे ये नहीं पूछा है, आपसे सिर्फ पूछा है कि वो नंबर हमें, वो छोटा नंबर बता दीजिए जिससे इस नंबर को डिवाइड कर दिया जाए तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाए, तो वो नंबर क्या है, 3। ओके, दिस इज योर आंसर। नाउ सेकेंड इज सेकेंड इज 128। चलिए इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 6 जा 12 2 4 जा 8, 2 3 जा 6 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 2 6 जा 12, देन 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 128 इज इक्वल्स टू क्या आया, 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 and then 2, 1 2 3 4 5 6 7, 7 times 2 है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ट्रिपलेट बनाइए, ये बन गया, ये बन गया, बट एक 2 रिमेनिंग है, मींस ये ट्रिपलेट में नहीं आया है। तो बताइए मैं किससे डिवाइड कर दूं कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए, जल्दी से बताइए। तो यहाँ पे एक 2 एक्स्ट्रा है, तो मैं अगर एक 2 से डिवाइड कर दूं तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो जो नंबर बचेगा वो क्या बचेगा, परफेक्ट क्यूब है ना, क्योंकि यहाँ पे ट्रिपलेट बन रहे हैं, सिर्फ यही एक 2 एक्स्ट्रा है, तो इसको मैं 2 से डिवाइड कर दूं। अगर इस साइड डिवाइड किया तो इस साइड भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 128 को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 2 से। तो आंसर क्या लिखेंगे, 2 मस्ट बी डिवाइडेड टू 128 टू गेट अ परफेक्ट क्यूब, दिस इज योर आंसर। थर्ड पार्ट, यहां पे लिखते भी जाइए कि इसको मैंने 3 से डिवाइड किया था और इसको 2 से, ठीक है। देन थर्ड पार्ट,
135। प्राइम फैक्टराइजेशन किससे डिविजिबल है ये? 3 से, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, फिर से 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा 5 हो गया। वन थर्टी फाइव इज इक्वल्स टू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। ट्रिपलेट बनाते हैं, 3 का तो ट्रिपलेट बन गया बट 5 बच गया, 5 ट्रिपलेट में नहीं आया, 5 का कोई ट्रिपलेट नहीं बना। तो बताइए किस नंबर से डिवाइड कर दें कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए? तो एक 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या? सिर्फ ट्रिपलेट बचेगा, ठीक है। तो ये क्या होगा? परफेक्ट क्यूब होगा। तो किससे डिवाइड करना है? 5 से। अगर इस साइड किया तो इस साइड भी करना पड़ेगा, तो आपको वो स्मॉलेस्ट नंबर बताना है जिससे इसको डिवाइड किया जाए, है ना। तो 135 को किससे डिवाइड करना है? 5 से। आंसर क्या लिखेंगे? 5 मस्ट बी डिवाइडेड टू 135 टू गेट अ परफेक्ट क्यूब, ठीक है। दिस इज योर आंसर। देन फोर्थ इज, यहां पे किससे किया? 5 से। देन फोर्थ इज 192। प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 से डिविजिबल है, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। 192 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 हो गया। ट्रिपलेट बनाइए, 2 का एक ट्रिपलेट बना, फिर से 2 का ट्रिपलेट बना बट 3 का नहीं बना, 3 रिमेन है। तो हम किससे डिवाइड कर दें कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए? तो अगर मैं यहां पे 3 से डिवाइड कर दूं तो 3 से 3 कैंसिल आउट होके 1 हो जाएगा, बचेगा सिर्फ ये, और ये परफेक्ट क्यूब है क्योंकि ये ट्रिपलेट में है, ठीक है। तो किससे डिवाइड करना है? डिवाइड बाय 3। इस साइड 3 से डिवाइड किया राइट हैंड साइड में, तो लेफ्ट हैंड साइड में भी डिवाइड बाय 3 करना पड़ेगा। तो 192 को किससे डिवाइड करना है? 3 से। आंसर क्या लिखेंगे? 3 मस्ट बी डिवाइडेड टू 192 टू गेट अ परफेक्ट क्यूब। दिस इज योर आंसर। फिफ्थ पार्ट, सिंपल है, समझ में आ रहा होगा। देन फिफ्थ पार्ट इज 704। चलिए प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 से डिविजिबल है, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, फिर से 2 से 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, फिर से 2 से 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, फिर से 2 से 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 से 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 एंड देन 11 1 जा 11 हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 704 को मैं क्या लिख सकती हूँ? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11, यही आया है, बिल्कुल। चलिए ट्रिपलेट बनाइए, 2 का ट्रिपलेट बना, फिर से 2 का ट्रिपलेट बना बट 11 बच गया। तो मैं किस नंबर से डिवाइड कर दूं कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए? तो 11 से। अगर ये 11 हट जाएगा, 11 से अगर मैं 11 से 11 को डिवाइड कर दूं तो 1 हो जाएगा, 11 1 जाए 11, 11 1 जाए 11, कैंसिल आउट होके 1 हो जाएगा, बचेगा क्या? ट्रिपलेट फॉर्म में बचेगा जो कि परफेक्ट क्यूब होता है। तो इस साइड 11 से डिवाइड किया तो इस साइड भी 11 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 704 को किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 11 से। आंसर लिखिए, 11 मस्ट बी डिवाइडेड टू 704 टू गेट अ परफेक्ट क्यूब। और वो नंबर क्या होगा? मींस वो जो परफेक्ट क्यूब आएगा डिवाइड करने पे, अगर वो पूछा जाए कि वो नंबर क्या होगा तो कैसे निकलेगा? 704 को 11 से डिवाइड कर दीजिए। फिलहाल ये आपको निकालना नहीं है बट मैं बता देती हूँ, 11 से डिवाइड कर दीजिए कितना आएगा। तो देखिए यहाँ पे 11 6 जा 66, 44 आया, 11 4 जा 44, कैंसिल आउट, तो वो नंबर क्या आया? 64। 64 क्या है? एक परफेक्ट क्यूब है, परफेक्ट क्यूब है, ठीक है।
और ये किसका क्यूब है? तो ये 4 का क्यूब है, 4 जा 16 एंड 16 जा 64। दिस इज योर आंसर। आपको सिर्फ ये बताना था स्मॉलेस्ट नंबर वो कौन सा है जिससे इस नंबर को डिवाइड कर दिया जाए तो परफेक्ट क्यूब हो जाए, वो नंबर है 11। दिस इज योर आंसर। तो यहाँ पे लिख लीजिए 11। ओके, दिस इज द आंसर। नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज, परीक्षित मेक्स अ क्यूबॉइड ऑफ प्लास्टिसिन ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, हाउ मेनी सच क्यूबॉइड्स विल ही नीड टू फॉर्म अ क्यूब। क्वेश्चन का मतलब समझते हैं। परीक्षित मेक्स अ क्यूबॉइड ऑफ प्लास्टिसिन, परीक्षित जो है एक क्यूबॉइड बनाता है प्लास्टिक का, ठीक है, जिसकी साइड है 5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, इसमें से लेंथ ब्रेथ हाइट, लेंथ ब्रेथ हाइट, ठीक है, यही क्यूबॉइड का साइड होता है, एक लेंथ होगी एक ब्रेथ होगी तीसरी हाइट होगी। हाउ मेनी सच क्यूबॉइड्स विल ही नीड टू फॉर्म अ क्यूब, उसको ऐसे कितने क्यूबॉइड की जरूरत पड़ेगी कि वो एक क्यूब बन जाए, और कितने वो क्यूबॉइड बना ले कि सारे को मिला के एक क्यूब बन जाए। तो चलिए सबसे पहले क्यूबॉइड और क्यूब में डिफरेंस समझते हैं। क्यूब में लेंथ ब्रेथ और हाइट ये तीनों इक्वल होती है, लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों इक्वल होती है, इसको हम लोग बोलते हैं क्यूब। ये जो मैंने फिगर बनाया है ये क्यूब है। अगर ये इसकी लेंथ है ना, अगर इसकी लेंथ 2 सेंटीमीटर है तो इसकी हाइट भी 2 सेंटीमीटर है और इसका ब्रेथ भी 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये क्या है, दिस इज क्यूब। क्यूब की तीनों डायमेंशन इक्वल होती है, लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों इक्वल होती है। क्यूबॉइड में, क्यूबॉइड में या तो लेंथ बराबर होगा ब्रेथ के, हाइट डिफरेंट होगा, ठीक है, या फिर तीनों डिफरेंट होगा, लेंथ भी डिफरेंट ब्रेथ भी डिफरेंट हाइट भी डिफरेंट, ठीक है, या फिर हो सकता है कि लेंथ ब्रेथ के बराबर ना हो पर ब्रेथ जो है वो हाइट के बराबर हो, मीन्स कोई भी सिचुएशन हो सकती है, बट तीनों इक्वल नहीं होगा, या तो लेंथ अलग होगी या तो ब्रेथ हाइट सेम होगा, है ना, लेंथ अलग होगी ब्रेथ हाइट इक्वल हो, या फिर लेंथ ब्रेथ इक्वल हो हाइट डिफरेंट हो, ऐसा कुछ होगा, ठीक है। तो ये देखिए मैंने क्यूबॉइड बना रखा है, इसका लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों सेम नहीं है। देखिए इसका हाइट क्या है, इसका हाइट बड़ा है, इसको मैं मान लेती हूँ 10 सेंटीमीटर है, कितना 10 सेंटीमीटर। ये ब्रेथ है, इसका ब्रेथ छोटा है, मैं मान लेती हूँ कि ये है 2 सेंटीमीटर, और इसका लेंथ ब्रेथ से बड़ा है तो मैं इसको मान लेती हूँ कि ये है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखिए लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों डिफरेंट है, ये क्या है, दिस इज क्यूबॉइड। इस यहां पे देखिए, यहां पे हाइट इसकी बड़ी है, हाइट मान लीजिए 10 सेंटीमीटर की है, ठीक है, देन ये क्या है, दिस इज ब्रेथ, ब्रेथ मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर का, और ये है लेंथ, तो लेंथ भी, लेंथ ब्रेथ यहाँ पे बराबर है, मैंने मान लिया ऐसा कि बराबर है, तो ब्रेथ 3 सेंटीमीटर है और लेंथ भी यहाँ पे 3 सेंटीमीटर है, बट हाइट तो डिफरेंट है, भले ब्रेथ और लेंथ सेम है बट हाइट तो डिफरेंट है, तीनों तो इक्वल है नहीं ना, तो ये क्या है, क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड में तीनों डायमेंशन इक्वल नहीं होती है, अगर तीनों डायमेंशन इक्वल है तो उसको हम लोग क्यूब बोलेंगे। तो इसके पास क्या है, इसके पास क्यूबॉइड है इस डायमेंशन का, देखिए अगर ये लेंथ है ये ब्रेथ है तो ये हाइट है, ऐसा कुछ इसके पास क्यूबॉइड है। अब आपसे पूछ रहा है कि और ऐसे कितने क्यूबॉइड वो बना ले कि वो क्यूब बन जाए। देखिए ये क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड शेप का है कि नहीं, है, ये इसकी हाइट है, ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, ये हाइट है, ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, ठीक है। तो ये सब सपोज 5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर का है, ऐसे और कितने क्यूबॉइड मैं इसमें ऐड कर दूं कि ये क्यूब बन जाए, मींस उसका हाइट भी सेम हो जाए, लेंथ भी सेम हो जाए और ब्रेथ भी सेम हो जाए। अगर मैं इसमें 2-3 ऐसे ऐड कर दूं, ऐसे फिर ऐसे आगे भी ऐसे ऐड करती चली जाऊं, तो ये कभी ना कभी तो ये क्यूब बन ही जाएगा, है ना, बन जाएगा। तो चलिए कैसे करेंगे, क्यूबॉइड का डायमेंशन दिया है 5 इंटू 2 इंटू 5,
सब में सेंटीमीटर है, मैंने सेंटीमीटर हटा दिया। अब आपको बताना है कितने और क्यूबॉइड में इसमें कितने और क्यूबॉइड की जरूरत होगी कि ये क्यूब बन जाए। देखिए क्यूब के लिए क्या होता है, क्यूब के लिए तीनों डायमेंशन इक्वल होनी चाहिए। जैसे यहाँ 2 × 2 × 2 है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्यूब की डायमेंशन कितनी है, 2 × 2 × 2। तो यहाँ पे देखिए ट्रिपलेट बन रहा है, क्या बन रहा है, ट्रिपलेट, ट्रिपलेट ऑफ इक्वल फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपलेट ऑफ इक्वल फैक्टर। तो यहाँ पे भी अगर आप प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपलेट ऑफ इक्वल फैक्टर बना लीजिए तो आपको क्यूब मिल जाएगा। तो यहाँ देखिए ट्रिपलेट बनाने के लिए 2 5 है, 1 5 की जरूरत है। तो अगर मैं 1 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, और यहाँ पे सिर्फ 1 2 है, 2 × 2 से मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ट्रिपलेट बन जाएगा। यहाँ देखिए 5 का भी ट्रिपलेट बन गया, 3 × 5 हो गया, और यहाँ पे 3 × 2 भी हो गया। तो मैंने कितने से मल्टीप्लाई किया, 5 × 2 × 5, ये तो डायमेंशन थी क्यूबॉइड की, और मैंने मल्टीप्लाई कितने से किया, टोटल 5 × 2 = 10, 10 × 2 = 20, मुझे 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ा है ना इसको क्यूब बनने के लिए। तो कितने क्यूबॉइड की जरूरत पड़ी हमें, 20 क्यूबॉइड की जरूरत पड़ी इसको क्यूब बनने के लिए। तो आप लिख लीजिए, हाउ मेनी सच क्यूबॉइड्स विल ही नीड, यहां लिखिए, ही विल नीड 20 क्यूबॉइड्स, ही विल नीड 20 क्यूबॉइड्स टू फॉर्म अ क्यूब। समझ में आ रहा है क्वेश्चन, क्यूब के लिए आपको प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपलेट ऑफ इक्वल फैक्टर की जरूरत होगी। यहाँ पे बस मैंने वही किया है कि सबका ट्रिपलेट बना लिया है, ठीक है। ये डायमेंशन तो क्यूबॉइड की थी, देखिए ये तो क्यूबॉइड की डायमेंशन है, और क्यूबॉइड को 20 से मल्टीप्लाई कर दिया, मीन्स हमें 20 क्यूबॉइड की जरूरत पड़ेगी, कितने 20 क्यूबॉइड की जरूरत पड़ेगी, तब ये जाके एक परफेक्ट क्यूब बनेगा, ठीक है। दैट इज क्यूब, दिस इज योर आंसर। एक्सरसाइज 6.2 सॉल्व करेंगे, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। यहाँ पे आपको नंबर्स दिए गए हैं, इन नंबर्स का आपको क्यूब रूट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, क्यूब रूट। क्यूब रूट का सिंबल क्या होता है, तो ये होता है क्यूब रूट का सिंबल, ठीक है। तो आपको इन नंबर्स का क्यूब रूट फाइंड करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके। तो चलिए करते हैं, फर्स्ट इज 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 से डिविजिबल है, 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12, 2 × 8 = 16, 2 × 4 = 8, 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2, ठीक है। सो 64 इज इक्वल्स टू क्या आया, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 6 टाइम्स लिख लीजिए, आ गया, ठीक है। अब यहां देखिए ट्रिपलेट बनेगा, हर केस में बनेगा, क्योंकि क्यूब रूट किसी नंबर का वो नंबर होता है जिसका ये नंबर क्यूब होता है, ठीक है। किसी भी नंबर का क्यूब रूट वो नंबर होता है जिसका क्यूब ये नंबर होता है, समझ में आया। तो यहां पे हमेशा आपको ट्रिपलेट बनेगा। अब आपको फाइंड करना है क्यूब रूट ऑफ 64, तो क्या हो जाएगा, यहां से 1 2 बाहर आएगा और यहां से 1 2 बाहर आएगा, जितने भी ट्रिपलेट बने वहां से एक एक फैक्टर ले लीजिए। जैसे यहाँ 2 था और यहाँ पे भी 2 था, तो मैंने एक एक ले लिया, कितना आ गया, 2 × 2 = 4, तो क्यूब रूट ऑफ 64 क्या आया, 4, यही आपका आंसर है। देखिए मैंने क्यूब रूट की डिफिनेशन क्या बताई, कि किसी भी नंबर का क्यूब रूट, जैसे 64 है तो 64 का क्यूब रूट वो नंबर होगा जिसका ये क्यूब है, ठीक है। ये किसका क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, तो इसका क्यूब रूट 64 का क्या होगा, 4 होगा। दिस इज योर आंसर। नाउ सेकंड इज, चलिए सेकंड सॉल्व करते हैं, 10 क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। सेकंड इज 512, इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, चलिए करते हैं, 2 से, 2 × 2 = 4,
कह रही है 1 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, फिर से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा हो गया। अब 512 को हम लिख सकते हैं क्या, 2 2 2 नाइन टाइम्स है तो 9 टाइम्स यहां पे 2 लिखिए, ठीक है। ट्रिपलेट बनाइए, ये बना और ये बना, 3 ट्रिपलेट बना यहां से। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है क्यूब रूट ऑफ 512। इसके लिए मैंने क्या बताया, जितने भी ट्रिपलेट बने हैं वहां से एक एक नंबर ले लीजिए, यहां से 2, फिर इस ट्रिपलेट से एक 2 और यहां से एक 2, कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4, 2 जा 8। सो क्यूब रूट ऑफ 512 कितना आया, 8 आया। दिस इज योर आंसर, ओके। देन थर्ड क्वेश्चन इज, इरेज कर दे रही हूं, थर्ड इज 10648, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 से डिविजिबल है, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर से 2 से, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, फिर से 2 से, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2। अब ये किससे डिविजिबल है, 9 and 4, मैंने सही किया है, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, कैरी आया 1 बन गया 13, 2 6 जा 12, कैरी आया 1, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, देन 2 से 2 1 जा 2 2 सॉरी 2 3 जा 6 होगा यहाँ पे ना, 2 3 जा 6, देन 2 3 जा 6 एंड 2 1 जा 2। अब ये किससे डिविजिबल है, 11 से, 11 1 जा 11, कैरी आया 1, कैरी आया 2, बन गया कितना 23, 11 2 जा 22, कैरी आया 1, बन गया 11, 11 1 जा 11, फिर से 11 से, 11 11 जा 121 एंड 11 1 जा 11, हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 10648 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 into 2 into 2 into 11 into 11 into 11, 2 into 2 into 2 into 11 into 11 into 11, ये लिख सकती हूँ। ट्रिपलेट बन गया यहाँ और यहाँ, 2 का भी और 11 का भी। हमें निकालना क्या है, हमें क्यूब रूट निकालना है, क्यूब रूट ऑफ 10648। इस ट्रिपलेट से एक नंबर बाहर आ जाएगा और इस ट्रिपलेट से एक नंबर बाहर आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 11 2 जा 22। तो 10648 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा, 22। दिस इज योर आंसर, लिख लीजिए। देन उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन, नाउ फोर्थ पार्ट इज, फोर्थ पार्ट में क्या है, 27000, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 से डिविजिबल है, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 20, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 0, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 3 से, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, फिर से 3 से, 3 3 जा 9, कैरी आया 2, बन गया 22, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, 3 1 फिर से 3 से डिवाइड होगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, अब 5 से, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 27000 को मैं क्या लिख सकती हूँ, इज इक्वल्स टू, 3 टाइम्स 2 है, 2 into 2 into 2, देन उसके बाद 3 टाइम्स 3 है, इंटू 3 into 3 into 3 एंड देन 3 टाइम्स 5 है, into 5 into 5 into 5, ओके। सो ट्रिपलेट बना लीजिए, 2 का बना, 3 का भी बना और 5 का भी ट्रिपलेट बन गया। सो क्यूब रूट ऑफ 27000 इज इक्वल्स टू, यहां से एक 2 आएगा, यहां से एक 3 आएगा और यहां से एक 5 आएगा,
तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 5 3 15, 15 2 13, ठीक है। तो क्यूब रूट ऑफ 27000 इज इक्वल्स टू 30, दिस इज योर आंसर, प्लीज नोट डाउन। मैं इरेज करती हूं। सो फिफ्थ पार्ट इज 15625, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 5 से डिविजिबल है, ठीक है। सो 5 3 15, 5 1 5, 5 2 10, 2 10 कैरी आया 2, 5 5 25, फिर से 5 से, 5 6 30, एंड देन 5 2 10, 5 5 25, 5 1 5, 5 2 10, 5 5 25, 5 2 10, 5 5 25, 5 5 25, 5 1 5, हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 15625 इज इक्वल्स टू क्या आया, 6 टाइम्स 5 आया, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ट्रिपलेट बना लीजिए, बन गया ट्रिपलेट। क्यूब रूट निकालना है, सो क्यूब रूट ऑफ 15625 इज इक्वल्स टू, हर एक ट्रिपलेट से एक एक नंबर बाहर, तो यहां से एक 5 और यहां से एक 5, कितना आ जाएगा 25। सो क्यूब रूट ऑफ 15625 इज इक्वल्स टू कितना आएगा 25, दिस इज योर आंसर, प्लीज नोट डाउन। इरेज करती हूं। नाउ सिक्स्थ पार्ट ये वाला है, 13824, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से डिविजिबल है, 2 6 12, 2 9 18, 2 1 2, 2 2 4, 2 6 12, 2 9 8, ठीक है। फिर से 2 से, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12, फिर से 2 से, 2 1 2, 2 7 14, 2 2 4, एंड 2 8 16, फिर से 2 से डिविजिबल है, 2 8 16 कैरी आया 1, 2 6 12, 2 4 8, 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4, 2 2 4, 2 1 2, 2 6 12, 2 1 2, देन 2 डिजिट आ गया, तो पहले 1 0, देन 2 8 16, 2 5 10, 2 4 8, देन 2 2 4, 2 7 14, अब 27 है, 27 को आगे कैसे फैक्टराइज करेंगे, तो 3 से कटेगा, 3 9 27, 3 3 9, एंड 3 1 3, हो गया, ठीक है। सो मैं 13824 को क्या लिख सकती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टाइम्स 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 9 टाइम्स 2 है, 3 टाइम्स 3, ठीक है, हो गया। चलिए ट्रिपलेट बनाते हैं, 3 ट्रिपलेट 2 का बना और 1 ट्रिपलेट 3 का बना, ठीक है। सो क्यूब रूट ऑफ 13824 इज इक्वल्स टू, हर एक ट्रिपलेट से एक एक नंबर बाहर, यहां से 2, देन यहां से 2, यहां से 2 और यहां से 3, मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 3 2 6, 6 2 12, 12 2 24। सो क्यूब रूट ऑफ 13824 इज इक्वल्स टू 24, दिस इज द आंसर, प्लीज नोट डाउन। नाउ सेवेंथ पार्ट इज 110592, 2 से डिविजिबल है, क्यों, क्योंकि इसके वंस प्लेस पे या फिर वंस डिजिट पे 2 है, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 5 10, 2 5 10, 2 2 4, कैरी आया 1, 2 9 18, 2 6 12, अब यहाँ वंस प्लेस पे या फिर वंस डिजिट पे 6 है, फिर से 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 2 4, 2 7 14, 2 6 12, 2 4 8, एंड 2 8 16, वंस डिजिट पे 8 है, फिर से 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 2, 2 3 6, 2 8 16, 2 2 4, 2 4 8,
फर्स्ट डिजिट पे 4 है, फिर से 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 6 12, 2 9 18, 2 1 2 एंड 2 2 4. फर्स्ट डिजिट पे 2 है, फिर से 2 से, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12, 2 से 2 1 2, 2 7 14, 2 2 4 एंड 2 8 16, 2 6 12, 2 8 16, कैरी आया 1 2 6 12, 2 4 8, 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4, 2 2 4, 2 1 2, 2 6 12. अब 216 को और फैक्टराइज करना है, 2 1 2, देन 1 0 लगाएंगे, फिर 2 8 16, 2 5 10, 2 4 8, 2 2 4, 2 7 14, 3 9 27, 3 3 9 एंड 3 1 3. हो गया फैक्टराइजेशन. अब 110592 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 टाइम्स 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 टाइम्स 2 है और 3 टाइम्स 3 है. ठीक है, ट्रिपलेट बनाइए. तो 2 का एक ट्रिपलेट, 2 ट्रिपलेट, 3 ट्रिपलेट, 4 ट्रिपलेट 2 का बना और एक ट्रिपलेट बना 3 का. सो क्यूब रूट हम फाइंड आउट कर सकते हैं. 110592 क्या आएगा, हर एक ट्रिपलेट से एक एक नंबर बाहर, तो 2 × 2 × 2 × 2 × 3 मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 3 2 6, 6 2 12, 12 2 24, 24 2 48. सो क्यूब रूट ऑफ 110592 इज 48. दिस इज द आंसर, प्लीज नोट डाउन. नाउ एट्थ पार्ट में क्या है, तो 4 6 6 5 6. ठीक है, 2 से डिविजिबल है, 2 2 4, 2 3 6, 2 3 6, 2 2 4, 2 8 16, 2 1 2, 2 1 2, 2 6 12, 2 6 12, 2 4 8, 2 5 10, 2 8 16, 2 3 6, 2 2 4, 2 2 4, 2 9 18, 2 1 2, 2 6 12, 2 1 2, 2 4 8, 2 5 10, 2 8 16, 2 7 14, 2 2 4, 2 9 18, 3 से डिविजिबल है, अभी 3 2 6, 3 4 12, 3 3 9, 3 8 24, 3 1 3, देन 3 2 6, 3 7 21. अब 27 को 3 9 27, 3 3 9 एंड 3 1 3. हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन. सो 4 6 6 5 6 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स 2 है और 6 टाइम्स 3 है, लिख लीजिए 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3. ट्रिपलेट बनाइए, बन गया. ठीक है, सो क्यूब रूट अब हम बता देंगे, क्यूब रूट ऑफ 4 6 6 5 6 इज इक्वल्स टू, यहां से एक 2, यहां से एक 2, फिर 3 एंड देन 3, मल्टीप्लाई करिए, 3 3 9, 9 2 18, 18 2 36. सो क्यूब रूट ऑफ 4 6 6 5 6 इज इक्वल्स टू 36. दिस इज योर आंसर, प्लीज नोट डाउन. Now ninth part, 1 7 5 6 1 6. ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से डिविजिबल है, 2 8 16, कैरी आया 1, 2 7 14, कैरी आया 1, 2 8 16, और यहाँ 2 डिजिट है तो 1 0, 2 8 16, 2 4 8, 2 3 6, 2 9 18, देन 2 4 8,
टू टू जा फोर, टू वन जा टू, टू नाइन जा एटीन, टू फाइव जा टेन, टू टू जा फोर, टू वन जा टू, एक जीरो लगाएंगे क्योंकि यहाँ दो डिजिट है, देन टू नाइन जा एटीन, कैरी आया वन, टू सेवन जा फोर्टीन, टू सिक्स जा ट्वेल्व, टू फाइव जा टेन, टू फोर जा एट, टू एट जा सिक्सटीन, टू एट जा सिक्सटीन, टू टू जा फोर, टू सेवन जा फोर्टीन, टू फोर जा एट, टू फोर जा एट, टू वन जा टू, टू थ्री जा सिक्स, टू सेवन जा फोर्टीन, टू टू जा फोर, टू सिक्स जा ट्वेल्व, टू थ्री जा सिक्स, टू सिक्स जा ट्वेल्व, टू थ्री जा सिक्स, टू थ्री जा सिक्स, टू वन जा टू, टू एट जा सिक्सटीन, कुछ गलत हो रहा है क्या? टू वन जा टू, टू थ्री जा सिक्स, टू सेवन जा फोर्टीन एंड टू टू जा फोर, टू सिक्स जा ट्वेल्व, टू सिक्स जा ट्वेल्व, कैरी आया वन, तो ये बन गया सेवनटीन, टू एट जा सिक्सटीन होगा यहाँ पे, टू एट जा सिक्सटीन एंड देन टू सिक्स जा ट्वेल्व, अब सही है, टू थ्री जा सिक्स, टू फोर जा एट, टू थ्री जा सिक्स, ओके। 343 ये किससे डिविजिबल है? सेवन से, तो सेवन फोर जा ट्वेंटी एट, कैरी आया सिक्स, कैरी आया सिक्स, सेवन कैरी कितना आया? सेवन फोर जा ट्वेंटी एट, ट्वेंटी नाइन थर्टी सिक्स आया, सिक्सटी थ्री, सेवन नाइन जा सिक्सटी थ्री, सेवन सेवन जा फोर्टी नाइन एंड सेवन वन जा सेवन, ओके हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। तो वन सेवन फाइव सिक्स वन सिक्स इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, नाइन टाइम्स टू है हो गया नाइन टाइम्स, देन थ्री टाइम्स सेवन, ठीक है, ट्रिपलेट बनाइए, सबका ट्रिपलेट बन रहा है, बन रहा है, अब क्यूब रूट बता देंगे, बता देंगे अच्छे से। वन सेवन फाइव सिक्स वन सिक्स इज इक्वल्स टू, यहां से एक टू आया, यहां से एक टू, यहां से एक टू और यहां से एक सेवन, मल्टीप्लाई कर लीजिए आंसर आ जाएगा, सेवन टू जा फोर्टीन, फोर्टीन टू जा ट्वेंटी एट, ट्वेंटी एट टू जा 56, 56. So cube root of 175616 is equals to 56. This is the answer. Please note down. Erase करती हूँ. Now last part, that is 10th part, is 91125. चलिए prime factorization करते हैं. 3 से divisible है, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, एक जीरो लगेगा क्योंकि दो डिजिट आ गया है, 3 3 जा 9, कैरी आया 2, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, फिर से थ्री से, थ्री थ्री जा नाइन, कैरी आया वन, इलेवन बन गया, थ्री थ्री जा नाइन, थ्री सेवन जा ट्वेंटी वन, थ्री फाइव जा फिफ्टीन, थ्री वन जा थ्री, थ्री वन जा थ्री, थ्री टू जा सिक्स, थ्री फाइव जा फिफ्टीन, थ्री थ्री जा नाइन, कैरी आया टू, थ्री सेवन जा ट्वेंटी वन, थ्री फाइव जा फिफ्टीन, थ्री वन जा थ्री, थ्री टू जा सिक्स, थ्री फाइव जा फिफ्टीन, अब फाइव से डिवाइड होगा, फाइव टू जा टेन, फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव, फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव, फाइव वन जा फाइव, हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। सो 91125 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? सो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स टाइम्स थ्री है, थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री, सिक्स टाइम्स एंड देन फाइव टाइम्स, अरे थ्री थ्री टाइम्स फाइव है, हो गया। अब हम क्यूब रूट निकाल सकते हैं, बिल्कुल 91125 का क्यूब रूट क्या आएगा? तो ट्रिपलेट बना लीजिए और हर एक ट्रिपलेट से एक एक नंबर बाहर ले लीजिए, थ्री इंटू थ्री इंटू फाइव, फाइव थ्री जा फिफ्टीन, फिफ्टीन थ्री जा फोर्टी फाइव, सो क्यूब रूट ऑफ 91125 इज 45। दिस इज योर आंसर। 10 पार्ट थे, मैंने 10 पार्ट सॉल्व कर दिए, ठीक है। नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज स्टेट ट्रू और फॉल्स, स्टेट ट्रू और फॉल्स।
आपको ट्रू फॉल्स बस बताना है। यहाँ पे स्टेटमेंट्स दी गई है, आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। तो चलिए, फर्स्ट इज क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन। कह रहा है किसी भी ऑड नंबर का अगर आप क्यूब करते हो तो क्या वो इवन होता है। चलिए कर लेते हैं। सबसे छोटा ऑड नंबर 1 है, 1 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 1 × 1 × 1 इज इक्वल्स टू 1। 1 का क्यूब 1 ही होता है ना, 1 का क्यूब इज इक्वल्स टू 1। उसके बाद ऑड नंबर 3 है, 3 का क्यूब करिए, 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27। उसके बाद 5 है, 5 का क्यूब 125। तो जब आप किसी ऑड नंबर का क्यूब कर रहे हो तो क्या वो इवन नंबर आ रहा है, क्या ये सब इवन नंबर आपको मिल रहा है, ये 1 इवन है, 27 इवन है, 125 इवन है, नहीं ये भी ऑड आएगा। जब आप किसी ऑड नंबर का क्यूब करोगे तो वो भी ऑड ही नंबर आता है। आप कोई भी ऑड नंबर ले लीजिए, उसका जब आप क्यूब करोगे वो हमेशा आपको एक ऑड नंबर ही मिलेगा। तो यहाँ पे स्टेटमेंट कह रहा है कि इवन आनी चाहिए, तो नहीं ये फॉल्स है, ठीक है, ऑड नंबर का क्यूब हमेशा ऑड नंबर आता है। नाउ सेकंड इज अ परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विद 2 जीरोस। कोई परफेक्ट क्यूब जो है वो 2 जीरो पर एंड नहीं होता है, 2 जीरो के साथ एंड नहीं होता है, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो चलिए यहाँ 0 वाले नंबर लिखते हैं, 10 लिखेंगे, 100 लिखेंगे, जो एंड हो रहा है 0 से, 10 एंड हो रहा है, 100 एंड हो रहा है, 1000 एंड हो रहा है, ठीक है, लिख दिया। क्या 10 परफेक्ट क्यूब है, नहीं, क्योंकि आप इसको किसी नंबर का क्यूब नहीं लिख सकते। क्या 100 परफेक्ट क्यूब है, नहीं, क्योंकि आप इसको किसी नंबर का क्यूब नहीं लिख सकते हो। क्या 1000 परफेक्ट क्यूब है, यस, इसको आप 10 का क्यूब लिख सकते हो, ठीक है। तो 0 वाला जो परफेक्ट क्यूब है मींस जिसके एंड में 0 आ रहा है, जैसे यहाँ पे 1000, तो मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस जो परफेक्ट क्यूब में होते हैं वो 3 होने चाहिए। 2 से तो कभी एंड नहीं होता है कोई परफेक्ट क्यूब। तो वही स्टेटमेंट में लिखा भी है, अ परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विद 2 जीरोस। तो बिल्कुल सही लिखा है, परफेक्ट क्यूब कभी 2 जीरो पर एंड नहीं होता है, दिस इज ट्रू। नाउ थर्ड इज इफ स्क्वायर ऑफ अ नंबर एंड्स विद 5 देन इट्स क्यूब एंड्स विद 25। फिर से पढ़िए, इफ स्क्वायर ऑफ अ नंबर, किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर 5 से एंड हो रहा है तो उस नंबर का क्यूब 25 पर एंड होगा। चलिए देखते हैं, किसी भी नंबर का स्क्वायर 5 पे एंड हो रहा है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स आप लोग पढ़ चुके हो, है ना, तो किसी भी नंबर का स्क्वायर 5 पे कब एंड होता है, जब वो नंबर 5 हो या फिर 5 से एंड होने वाला नंबर हो, जैसे कि चाहे 5 हो, चाहे 15 हो, चाहे 25 हो, है ना, 25 हो या फिर 35 हो, कोई भी नंबर हो जो 5 से एंड हो रहा हो उसका स्क्वायर करेंगे तो वो भी 5 पर एंड होगा। देखिए 5 का स्क्वायर क्या होगा, मैं यहां लिखती हूँ स्क्वायर, 5 का स्क्वायर होगा 25, 5 पे एंड हो रहा है कि नहीं। 15 का स्क्वायर 225, 25 का स्क्वायर 625, ऐसे 35 का भी कुछ स्क्वायर आएगा। तो आप एक चीज नोटिस कर रहे हो कि किसी भी नंबर का जब आप स्क्वायर कर रहे हो, मींस जो 5 से एंड हो रहे हैं उन नंबर का जब आप स्क्वायर कर रहे हो तो वो सिर्फ 5 पे एंड नहीं हो रहा है, वो 25 पे ही एंड हो रहा है। देखिए सब में 25 25 है। अब इसी नंबर का जब आप क्यूब करोगे, क्यूब तो 5 का क्यूब 125, 15 का क्यूब 15 15 = 225 एंड 225 15 मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप लोग, 5 5 = 25 कैरी आया 2 5 2 = 10, 10 2 = 12 कैरी आया 1, 5 2 = 10 = 11, 1 5 = 5 1 2 = 2 1 2 = 2 कितना आ गया 3 3 = 7 5, यही आएगा 3 3 = 7 5। उसी तरीके से 25 का भी क्यूब आप लोग कर लेना, ठीक है, 25 का भी क्यूब आप लोग कर लीजिए, 25 का क्यूब कितना होगा, 25 का स्क्वायर है 625, तो 625 और 25 मल्टीप्लाई कर दीजिए जितना भी आए, ठीक है, कितना आएगा मैं कैलकुलेटर से करके निकाल लेती हूँ, 625 इंटू
15625। तो देखिए स्टेटमेंट क्या लिखी थी कि किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर 5 पे एंड हो रहा है, 5 पे तो एंड हो रहा है इन सबका स्क्वायर, तो क्या उसका क्यूब 25 पर एंड होगा? ऐसा हर केस में एप्लीकेबल है क्या? नहीं। देखिए इस केस में नहीं है, यहाँ पे तो एंड विद 75 नॉट 25, यहाँ पे तो 5 का क्यूब 25 है बट यहाँ पे 15 का क्यूब 25 से एंड नहीं हो रहा है, 75 से एंड हो रहा है। तो ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। क्या है? दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। देन फोर्थ इज, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, किसी भी नंबर का स्क्वायर तो 5 पे एंड हो रहा है, जो नंबर 5 से एंड हो रहे हैं उनका स्क्वायर कर रही हूँ तो वो 5 पे तो एंड हो रहा है बट उनका क्यूब हर बार 25 पे एंड नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ पे तो 25 पे एंड हुआ बट यहाँ पे 75 पे एंड हो रहा है, तो स्टेटमेंट गलत है। फोर्थ इज, देयर इज नो परफेक्ट क्यूब विच एंड्स विद 8। क्या कोई ऐसा परफेक्ट क्यूब नहीं है जो 8 पर एंड हो रहा, एंड होता हो? ठीक है, तो 8 खुद ही एक परफेक्ट क्यूब है, जो 8 यहाँ पे लिखा है वो खुद ही एक परफेक्ट क्यूब है जो कि 8 पर एंड होता है। ठीक है, सो ये किसका क्यूब है? ये 2 का क्यूब है। उसी तरीके से आप 2 से एंड होने वाला कोई भी नंबर का क्यूब करोगे तो वो हमेशा 8 पर ही एंड होगा, जैसे 22 का क्यूब, 22 का क्यूब कितना होगा? तो 22 × 22 × 22 कितना होगा, मैं करके बता देती हूँ, 10648। देखिए ये भी 8 पर एंड हो रहा है कि नहीं, तो कोई भी नंबर जो 2 से एंड हो रहा है उसका जब आप क्यूब करोगे तो वो भी एंड किससे एंड होगा? 8 से एंड होगा। तो ये सारे कैसे नंबर है? ये सब परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है? क्योंकि ये किसी नंबर का क्यूब है। और इसमें क्या कह रहा है? देयर इज नो परफेक्ट क्यूब विच एंड्स विद 8। क्या कोई ऐसा परफेक्ट क्यूब नहीं है जो 8 पर एंड हो? यहाँ पे तो है, बहुत सारे ऐसे हैं। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। आई होप समझ में आया होगा। नाउ फिफ्थ इज, द क्यूब ऑफ अ 2-डिजिट नंबर मे बी अ 3-डिजिट नंबर। जब हम 2-डिजिट नंबर का क्यूब करेंगे तो क्या वो 3-डिजिट नंबर हो सकता है? मे बी। क्या वो 3-डिजिट नंबर हो सकता है? क्या कोई चांस है होने का? तो मैं सबसे स्मॉलेस्ट 2-डिजिट नंबर ले रही हूं जो कि है 10। 10 का क्यूब कितना आता है? 1000। 10 का क्यूब किया, जो कि सबसे स्मॉलेस्ट 2-डिजिट नंबर है, इसका क्यूब किया तो कितना डिजिट नंबर आया? 4-डिजिट नंबर आ रहा है, ना कि 3-डिजिट नंबर आ रहा है। अब 2-डिजिट आप कोई सा भी नंबर ले लोगे, 11 ले लो, 12 ले लो, 88 ले लो, 88 का क्यूब कर लो, तो इससे तो बड़ा आएगा ही, इससे 1000 से बड़ा तो आएगा ही। तो किसी केस में क्या आपको 3-डिजिट मिल पाएगा? जब आप 2-डिजिट नंबर का क्यूब करोगे तो क्या किसी केस में आपको 3-डिजिट नंबर मिलेगा? नहीं मिलेगा। जब स्मॉलेस्ट में ही नहीं मिल रहा है तो इससे बड़ा चेक करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, सो दिस स्टेटमेंट इज द क्यूब ऑफ अ 2-डिजिट नंबर मे बी अ 3-डिजिट नंबर, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नहीं हो सकता 3-डिजिट, मिनिमम 4-डिजिट तो होगा ही होगा। देन उसके बाद सिक्स्थ इज, द क्यूब ऑफ 2-डिजिट नंबर मे हैव 7 or more डिजिट। अब बोल रहा है कि क्यूब, जब आप 2-डिजिट नंबर का क्यूब करोगे तो क्या 7 या फिर उससे ज्यादा डिजिट हो सकती है? चलिए सबसे बड़ा हम ले रहे हैं 2-डिजिट नंबर, सबसे बड़ा 2-डिजिट नंबर है 99। 99 का जब आप क्यूब करोगे, मैं कैलकुलेटर में कर देती हूँ, 99 का क्यूब जब आप करोगे तो वो आएगा 970299। 970299। मैंने सबसे बड़ा 2-डिजिट नंबर लिया है, सबसे बड़ा, इससे बड़ा 2-डिजिट नंबर नहीं हो सकता। इससे बड़ा 100 होगा, 100 3-डिजिट नंबर है ना, तो ये सबसे बड़ा 2-डिजिट नंबर है, इसका क्यूब किया तो मुझे सिर्फ 6-डिजिट ही मिल रहा है। कितना? सिर्फ 6-डिजिट। और यहाँ पे कह रहा है कि क्या 7-डिजिट या फिर उससे ज्यादा डिजिट हो सकता है? तो नहीं, किसी केस में नहीं हो सकता, 6-डिजिट ही मैक्सिमम है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है? फॉल्स। देन उसके बाद लास्ट इज, द क्यूब ऑफ अ 1-डिजिट नंबर मे बी अ 1-डिजिट नंबर। ठीक है, कह रहा है कि जब आप 1-डिजिट नंबर का क्यूब करोगे
तो क्या वो सिंगल डिजिट नंबर हो सकता है, किसी केस में क्या हो सकता है? तो चलिए टू डिजिट नंबर देखते हैं। टू डिजिट नंबर में सॉरी सिंगल डिजिट नंबर की बात हो रही है ना, तो सिंगल डिजिट नंबर में वन लेती हूँ, वन का क्यूब करती हूँ, हाँ सिंगल डिजिट आ रहा है, इस केस में आ रहा है। फिर टू का क्यूब करती हूँ, टू टू जा फोर, टू जा एट, इस केस में भी आ रहा है। थ्री का क्यूब करूंगी, थ्री थ्री जा नाइन, नाइन थ्री जा 27, इस केस में टू डिजिट नंबर आ रहा है। बट यहाँ पे स्टेटमेंट क्या कह रहा है, द क्यूब ऑफ अ सिंगल डिजिट नंबर मे बी अ सिंगल डिजिट नंबर। क्या किसी सिंगल डिजिट नंबर का क्यूब सिंगल डिजिट नंबर हो सकता है? यहाँ मे लिखा है तो हाँ हो सकता है, ये मैंने निकाला है, दो दो हो सकता है, ठीक है। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके, जितने भी ट्राई दीज प्रॉब्लम है वो सब हम सॉल्व करेंगे, और ये सब मैं 2023 अपडेटेड एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। सो वन बाय वन हम सॉल्व करेंगे। ट्राई दीज पेज नंबर 73 पे ये प्रॉब्लम गिवन है। क्वेश्चन इज फाइंड द वंस डिजिट ऑफ द क्यूब ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। यहाँ पे आपको बहुत सारे नंबर दिए हुए हैं, आपको फाइंड क्या करना है, तो आपको फाइंड करना है वंस डिजिट। किसका वंस डिजिट? क्यूब ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर, ठीक है। जो भी नंबर है इसका क्यूब करने पर जो भी वंस डिजिट पे आएगा, हमें वो वंस डिजिट फाइंड आउट करना है। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, छोटा सा एग्जांपल। सपोज आपको एक नंबर 5 दिया है और आपको इस 5 का क्यूब करने पे जो वंस डिजिट पे आए वो आपको बताना है। तो कैसे करोगे? 5 का क्यूब कर देते हैं। 5 का क्यूब मीन्स 5 × 5 × 5, आंसर क्या आएगा? 125। तो हमें इसका वंस डिजिट बताना है, तो वंस डिजिट पे कौन सा नंबर है? 5। तो वंस डिजिट क्या होगी? 5। दिस इज योर आंसर। बट ये तो छोटा नंबर था, हम लोगों ने 3 बार मल्टीप्लाई कर लिया। अब यहाँ पे इतने बड़े बड़े नंबर हैं, 1331, इसका क्यूब करने पे जो वंस डिजिट पे नंबर है वो बताना है। तो क्या हम लोग 1331 × 1331 × 1331 ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे क्या? ये तो बहुत लेंथी हो जाएगा, ऐसे तो हम करते रहेंगे सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, आंसर भी नहीं फाइंड कर पाएंगे, है ना। सो शॉर्ट ट्रिक है, क्या शॉर्ट ट्रिक? पूरे का क्यूब ना करके, पूरे नंबर का क्यूब ना करके इसके वंस डिजिट का क्यूब कर दो, ठीक है। पूरे का नंबर का क्यूब ना करके उसके वंस डिजिट का क्यूब कर दो, इसके वंस डिजिट का क्यूब करने पे जो वंस डिजिट आए वही आंसर होगा। जैसे 1331 में 1 है, वंस डिजिट 1 है, 1 का क्यूब करने पे क्या आएगा? 1 × 1 × 1, दैट इज 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1। 8888 में पूरे का क्यूब ना करके वंस डिजिट का क्यूब कर दो, तो वंस डिजिट पे 8 है, 8 का क्यूब क्या आएगा? 8 × 8 × 8, 8 × 8 = 64, 64 × 8 = 512। तो क्या आया? अब इसके वंस डिजिट पे क्या आ रहा है? 2। तो 2 क्या है? आंसर है। उसी तरीके से 149 पूरे का क्यूब ना करके वंस डिजिट का क्यूब कर दो, तो 9 का क्यूब, 9 × 9 × 9, 9 × 9 = 81, 81 × 9 = 729। तो इसका वंस डिजिट आंसर होगा, वंस डिजिट पे क्या आ रहा है? 9। 9 इज योर आंसर। उसी तरीके से 1005 पूरे का क्यूब ना करके वंस डिजिट का क्यूब करो, वंस डिजिट पे 5 है, 5 का क्यूब 125, तो वंस प्लेस पे क्या आएगा? 5। देन 1024 तो पूरे नंबर का क्यूब ना करके वंस डिजिट का क्यूब करना है, 4 का क्यूब 64, तो इसका वंस डिजिट क्या आया? 4। 4 इज द आंसर। उसी तरीके से 77 पूरे का क्यूब ना करके वंस डिजिट का क्यूब करिए, तो वंस डिजिट पे है 7, 7 का क्यूब 343, अब इसका वंस डिजिट 3 है, तो 3 इज द आंसर। ओके, देन 2 वंस डिजिट पे 2 है, 2 का क्यूब कितना होता है? 2 × 2 = 4, 2 × 8, वंस डिजिट पे 8 आएगा। उसी तरीके से पूरे का क्यूब ना करके 3 का, 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, अब 27 में वंस डिजिट पे कौन सा डिजिट है? 7, सो 7 इज योर आंसर। ओके, तो सिंपल था ना, यही आपका आंसर है। नाउ
इसी पेज नंबर 73 पर एक और ट्राई दिस प्रॉब्लम गिवन है, उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन इज एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स एज द सम ऑफ ऑड नंबर्स यूजिंग द अबव पैटर्न. अबव पैटर्न मींस ये जहां ट्राई दिस का प्रॉब्लम गिवन है उसके ऊपर, उसके जस्ट ऊपर एक पैटर्न गिवन है, उस पैटर्न का यूज करना है. उस पैटर्न का यूज करके आपको ये जो 6 का क्यूब है, 8 का क्यूब है और 7 का क्यूब है, इसको आपको सम ऑफ ऑड नंबर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है. ठीक है, तो वो पैटर्न जो आपकी बुक में ऊपर दिया गया है उसको मैंने यहाँ पे लिख लिया है. वो पैटर्न था एडिंग कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स. ठीक है, कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर को एड करना था. कैसे, 1 का क्यूब 1 आता है, ठीक है, और 1 इक्वल्स टू 1. 2 का क्यूब, 2 का क्यूब 8 होता है और 8 को मैं लिख सकती हूँ 3 प्लस 5. उसी तरीके से 3 का क्यूब, 3 का क्यूब 27 होता है और 27 को 7 प्लस 9 प्लस 11. 4 का क्यूब 64 होता है और 64 को 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19 लिख सकती हूँ. 5 का क्यूब 125 होता है और 125 को 21 प्लस 23 प्लस 25 प्लस 27 प्लस 29 लिख सकती हूँ. ये क्या है, कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स को हम लोग ऐड कर रहे हैं. कैसे, 1 के क्यूब में सिर्फ 1 नंबर लिया, 2 के क्यूब में 2 ऑड नंबर लिया, 2 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर लिया, और कहां से लिया, 1 के बाद वाला. 1 के बाद कौन सा ऑड नंबर आता है, तो 3 आता है, 3 प्लस 5, 2 लिया. 3 के क्यूब में 3 ऑड नंबर्स लिए और कहां से, 5 के बाद वाले, 5 के बाद 7, 9 और 11. देन 4 के क्यूब में 4 ऑड नंबर लिए, कहां के बाद, 11 के बाद, 11 के बाद 13, 15, 17 एंड 19. उसी तरीके से 5 के क्यूब में 5 ऑड नंबर लिए, किसके बाद, 19 के बाद, 19 के बाद कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर है 21, देन 23, 25, 27, 29. अब आपको इसी पैटर्न का यूज करके 6 का क्यूब, ठीक है, 6 के क्यूब को भी कैसे हम सम ऑफ ऑड नंबर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं ये दिखाना है. चलिए करते हैं. 6 का क्यूब क्या होगा, तो 29 के जस्ट बाद से स्टार्ट होगा, है ना. 29 के बाद क्या आता है, 31 प्लस 33 प्लस 35 प्लस 37 प्लस 39 प्लस 41. देखिए 6 ऑड नंबर हो गए, 1 2 3 4 5 6, ये आपका आंसर होगा. उसी तरीके से 7 का क्यूब, 7 के क्यूब को क्या लिख सकते हैं, तो 41 के बाद से स्टार्ट करिए, 43 प्लस 45 प्लस 47 प्लस 49 प्लस 51 प्लस 53 प्लस 55. काउंट कर लीजिए, 7 ऑड नंबर हुए कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 7 हो गए. अब 8 का क्यूब, 8 का क्यूब कहां से स्टार्ट होगा, तो 55 के बाद वाला कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर कौन सा है, तो 57 57 प्लस 59 प्लस 61 प्लस 63 प्लस 65 प्लस 67 प्लस 69. देखिए 8 नंबर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. 69 के बाद 71, ये आपका आंसर होगा. और 6 का क्यूब होता कितना है, 6 6 जा 36 36 6 जा 216. 7 का क्यूब कितना होता है, तो 343 एंड 8 का क्यूब 512. आप इसको सबको ऐड करिएगा, ऐड करने पे यही आएगा. ठीक है, ये जो मैंने ऑड नंबर का सम लिखा है, आप इसको सबको ऐड करिएगा 216 आएगा, इसको सबको ऐड करिएगा तो 343 आएगा, एंड इसको सबको ऐड करिएगा तो 512 आएगा. ठीक है, ये आधा पार्ट था, आधा पार्ट अभी इस क्वेश्चन में और गिवन है, उसको अगले स्लाइड में सॉल्व करते हैं. सो इस क्वेश्चन का जो बचा हुआ पार्ट था, ये वाला क्वेश्चन है. क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग पैटर्न, इस पैटर्न को कंसीडर करना है. देन यूजिंग द अबव पैटर्न, फिर इस पैटर्न का यूज करके फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो चलिए सबसे पहले पैटर्न समझते हैं. यहाँ लिखा है 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब इज इक्वल टू 1 प्लस 2 इंटू 1 इंटू 3. देन 3 क्यूब माइनस 2 क्यूब इज इक्वल टू 1 प्लस 3 इंटू 2 इंटू 3. 4 क्यूब माइनस 3 क्यूब इज इक्वल टू 1 प्लस 4 इंटू 3 इंटू 3. क्या समझ में आ रहा है यहां से, देखिए 1 तो तीनों में है और ये 3 भी तीनों में है, तो ये तो वैसे ही रहेगा. बाकी का ये जो 2 इंटू 1 आ रहा है, ये कहां से आ रहा है, तो यहां देखिए 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब था,
इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखा गया है 2 into 1। उसी तरीके से 3 cube minus 2 cube है तो यहाँ पे 3 into 2 लिखा गया है। यहाँ 4 cube minus 3 cube है तो यहाँ पे 4 into 3 लिखा गया है। बाकी 1 तीनों में है, 3 तीनों में है। ठीक, समझ में आ गया होगा पैटर्न, तो हम लोग कर सकते हैं आगे। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है इस पैटर्न का यूज करके। यहाँ 7 cube minus 6 cube है, क्या करेंगे, सबसे पहले 1+ तो रहेगा ही, 1+ तो रहेगा ही, देन उसके बाद 7 into 6 होगा, क्या होगा 7 into 6, देन into 3 तो सब में है तो इसमें भी रहेगा। उसी तरीके से इसको बताइए तो 1+12 into 11 एंड into 3, देन 20 cube minus 19 cube, 1+20 into 19 into 3, देन 51 cube minus 50 cube, तो 1+51 into 50 एंड into 3, तो सब में है तो इसमें भी रहेगा, ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा। ओके, नाउ अब हम ट्राई दिस प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो कि पेज नंबर 74 पर गिवन है। क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर परफेक्ट क्यूब्स। यहाँ पे आपको कुछ नंबर्स दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा परफेक्ट क्यूब है। ठीक है, तो कैसे हम लोग जानते हैं कि कोई नेचुरल नंबर परफेक्ट क्यूब कब होता है, तो इसके लिए मैं इंट्रोडक्शन वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आप लोग मेरी इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज मेरे चैनल मैथमेटिक्स फॉर्म पे जाके इंट्रोडक्शन वीडियो देखिए, या फिर आप ये अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगी, उस लिंक को टच करिए, पूरी प्लेलिस्ट खुल जाएगी, वहां से आप इंट्रोडक्शन पार्ट कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो परफेक्ट क्यूब फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले उस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद सारे प्राइम फैक्टर्स को यहाँ मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख देते हैं, फिर उसमें अगर सारे जो भी उसके प्राइम फैक्टर्स हैं अगर सारे के सारे ट्रिपलेट ऑफ इक्वल फैक्टर के फॉर्म में एक्सप्रेस हो जाएं तो हम बोल देंगे कि वो नंबर परफेक्ट क्यूब है, अदरवाइज नहीं है। तो चलिए समझते हैं, 400 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 2 जा 4, देन 2 1 जा 2 2 5 जा 10, 50 आ गया, देन 2 2 जा 4 2 5 जा 10, देन 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5। ठीक है, तो 400 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 400 को मैं लिख सकती हूँ 2 into 2 into 2 into 2 into 5 into 5, यही है इसके सारे प्राइम फैक्टर्स, 1 2 3 4, 4 बार 2 है और 2 बार 5 है। देखिए 2 का तो यहाँ ट्रिपलेट बन रहा है, बट ये वाला 2 सिंगल है और ये वाला 5 दो बार आया है बट 3 बार नहीं आया है प्रोडक्ट में, है ना, तो ना तो इसका ट्रिपलेट बन रहा है और ना ही इसका ट्रिपलेट बन रहा है। तो जब ट्रिपलेट नहीं बन रहा है तो हम ऐसे नंबर को परफेक्ट क्यूब नहीं बोलेंगे, तो 400 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, ये नहीं है परफेक्ट क्यूब। देन उसके बाद 3 3 7 5, चलिए 3 3 7 5 का निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। सबसे पहले 3 से कटेगा क्या, हाँ 3 से, 3 1 जा 3 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, देन उसके बाद फिर से 5 2 7 8 9, फिर से 3 से 3 3 जा 9, कैरी आर 2 3 7 जा 21 एंड 3 5 जा 15, फिर से 3 से 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, अब 3 से नहीं कटेगा 5 से, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, देन 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5, इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। तो 3 3 7 5 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 3 into 3 into 3 into 5 into 5 into 5। ठीक है, तो आपको देखना है कि क्या हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं ट्रिपलेट ऑफ इक्वल फैक्टर्स के फॉर्म में। ये देखिए 3 का ट्रिपलेट बन गया और 5 का भी ट्रिपलेट बन गया, यस इसको मैंने एक्सप्रेस कर लिया ट्रिपलेट ऑफ इक्वल फैक्टर के फॉर्म में, प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपलेट ऑफ इक्वल फैक्टर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया, सो ये नंबर क्या है, परफेक्ट क्यूब है, सो दिस इज परफेक्ट क्यूब। ओके, देन उसके बाद 8000 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 000, 2 1 जा 2, 000, 2 5 जा 10, 500,
टू टू जा फोर, टू फाइव जा टेन, टू फिफ्टी आया, टू वन जा टू, टू टू जा फोर, टू फाइव जा टेन, फाइव फाइव टू जा टेन, फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव, देन फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव एंड फाइव वन जा फाइव, हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 8000 को क्या लिख सकते हैं, यहां मैं लिखती हूं 8000 इज इक्वल्स टू टू इंटू टू इंटू टू, एक बार देन टू इंटू टू इंटू टू, देन फाइव इंटू फाइव इंटू फाइव। ठीक है, तो आपको अब चेक करना है कि क्या आप इसको प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपलेट ऑफ इक्वल फैक्टर के फॉर्म में लिख पा रहे हो। तो देखिए यहां पे एक ट्रिपलेट टू का बना, फिर से एक ट्रिपलेट टू का बना, फिर से एक फाइव का बना, तो हमने इसको एक्सप्रेस कर दिया प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपलेट ऑफ इक्वल फैक्टर के फॉर्म में। मीन्स 8000 क्या है, 8000 परफेक्ट क्यूब है, ये भी क्या है परफेक्ट क्यूब। अब क्या है 15625, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, किससे कटेगा, क्या ये थ्री से कटेगा, फाइव सेवन नहीं, फाइव से कटेगा। ठीक है, फाइव थ्री जा फिफ्टीन, फाइव वन जा फाइव, कैरी आया वन, फाइव टू जा टेन, कैरी आया टू, फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव, फिर से फाइव से फाइव सिक्स जा थर्टी, फाइव टू जा टेन एंड फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव, फाइव से फाइव वन जा फाइव, फाइव टू जा टेन, फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव, फाइव टू जा टेन, फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव, फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव एंड फाइव वन जा फाइव, हो गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। अब देखिए 15625 इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ फाइव इंटू फाइव इंटू फाइव इंटू फाइव इंटू फाइव इंटू फाइव लिख सकती हूँ ना। तो क्या ये परफेक्ट क्यूब है 15625? तो देखिए इसका एक ट्रिपलेट बना फाइव का और दूसरा भी ट्रिपलेट बन गया फाइव का, कोई नंबर रिमेन नहीं है, यहाँ पे कोई फैक्टर ऐसा नहीं है कि जो ट्रिपलेट से बाहर बच गया हो, है ना, सबका ट्रिपलेट बन गया, इसका मतलब ये भी क्या है परफेक्ट क्यूब है। सो दिस इज ऑल्सो परफेक्ट क्यूब। देन फिफ्थ इज 9000, 9000 का भी चलिए कर लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। टू से डिवाइड करिए, टू फोर जाए, टू फाइव जा टेन, देन टू जीरो, टू टू जा फोर, टू टू जा फोर, टू फाइव जा टेन एंड जीरो, टू वन जा टू, टू वन जा टू, टू टू जा फोर एंड टू फाइव जा टेन। अब फाइव से कटेगा, फाइव टू जा टेन, फाइव टू जा टेन, फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव, फाइव फोर जा ट्वेंटी, फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव, फाइव नाइन जा फोर्टी फाइव, थ्री थ्री जा नाइन, थ्री वन जा थ्री। ठीक है, हो गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। कहां पे लिखूं, कुछ इरेज कर दूं, ये इरेज कर देती हूं। तो देखिए 9000 को मैं लिख सकती हूं 2 इंटू टू इंटू टू इंटू फाइव इंटू फाइव इंटू फाइव इंटू थ्री इंटू थ्री। तो क्या ये 9000 परफेक्ट क्यूब है? तो देखिए यहां पे इसका ट्रिपलेट बन गया 2 का, 5 का भी ट्रिपलेट बन गया, बट 3 का ट्रिपलेट नहीं बन पाया। देखिए सिर्फ दो बार ही 3 प्रोडक्ट में है, 3 बार नहीं है, तो ट्रिपलेट इसका नहीं बन पाया, ये फैक्टर ट्रिपलेट से रिमेन रह गया। मींस दो ट्रिपलेट तो बना बट ये रह गया, इसका ट्रिपलेट नहीं बन पाया। तो ये क्या है 9000 परफेक्ट क्यूब नहीं है, समझ में आया। अब इसका निकालेंगे 6859 का, 6859 अब इसको चेक करेंगे क्या एक परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ये किससे डिवाइड होगा, तो ये नंबर ना 3 से डिवाइड होगा, ना 5 से, ना 7 से, ना 11 से, है ना, ना 15 से, ना 17 से, ये सीधे 19 से डिवाइड होगा। ये ऐसा नंबर है जो सीधे 19 से डिवाइड होगा, 19 3 जा 57, कैरी आया 57 के बाद 58 59 60 एंड 8 8 3 11 11 कैरी आया, बन गया क्या 115, 19 6 जा 114, कैरी आया 1, बन गया 19, 19 वन जा 19। फिर से ये 19 से डिविजिबल है, ठीक है, तो 19 से डिवाइड करिए, 19 19 वन जा 19, कैरी आया 17, 171 आया, है ना, तो 19 9 जा 171,
फिर से 19 से कटेगा, 19 बन जा 19। तो मैंने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया, 6859 को मैं लिख सकती हूँ 19 into 19 into 19। ठीक है, तो आपको देखना है कि क्या मैं इसको प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपलेट ऑफ इक्वल फैक्टर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर पा रही हूँ। सो यस, मैंने इसको ट्रिपलेट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया, सो दिस इज परफेक्ट क्यूब। नाउ 2025, अब इसको चेक करेंगे क्या ये परफेक्ट क्यूब है कि नहीं। सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन, 3 से डिविजिबल है, 3 6 18, कैरी आया 2 बन गया 22, 3 7 21, कैरी आया 1 बन गया 15, 3 5 15, फिर से 3 से 3 2 6, 3 2 6, 3 5 15, फिर से 3 से 3 7 21, 3 5 15, फिर से 3 से 3 2 6, 3 5 15, देन 5 से 5 5 25, एंड देन 5 1 5, हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 2025 को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, 3 into 3 into 3 into 3 into 5 into 5, ऐसे लिख सकते हैं। तो क्या मैं इसको प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपलेट ऑफ इक्वल फैक्टर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर पा रही हूं? देखिए, इसका ट्रिपलेट तो बन गया, बट ये 3 बच गया और ये 2 5, इसका ट्रिपलेट नहीं बन पाया। सो इसका ट्रिपलेट नहीं बन पा रहा है, इसका मतलब ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। अब लास्ट नंबर 10648, इसको भी चेक करेंगे कि ये परफेक्ट क्यूब है कि नहीं। सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 5 10, 2 3 6, 2 2 4, 2 4 8, 2 2 4, 2 6 12, 2 6 12, 2 2 4, 2 1 2, 2 3 6, 2 3 6, एंड 2 1 2। अब 13 31, ये 11 से डिविजिबल है, 11 बन जाए 11, कैरी आया 2 बन गया 23, 11 2 जा 22, कैरी आया 1 बन गया 11, 11 बन जा 11, 11 बन जा 11 एंड 11 बन जा 11, फिर से 11 से 11 बन जा 11, इसका भी हो गया। तो 10648 को मैं लिख सकती हूँ 2 into 2 into 2 into 11 into 11 into 11। अब आपको देखना है कि क्या मैं इसको प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपलेट ऑफ इक्वल फैक्टर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर पा रही हूँ। तो देखिए, 2 का भी ट्रिपलेट बन गया और 11 का भी ट्रिपलेट बन गया, है ना। तो मैंने एक्सप्रेस कर लिया, सो इसका मतलब है कि ये परफेक्ट क्यूब है। तो आपको बताना था कि कौन कौन सा परफेक्ट क्यूब है। तो सेकेंड नंबर वाला परफेक्ट क्यूब है, देन थर्ड नंबर वाला परफेक्ट क्यूब है, फोर्थ नंबर परफेक्ट क्यूब है, फिफ्थ नहीं है, सिक्स्थ नंबर परफेक्ट क्यूब है, एंड सेवेंथ नहीं है, फिर एट्थ नंबर परफेक्ट क्यूब है। दिस इज योर आंसर। होप स्टूडेंट्स आपकी क्लास अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।